कोई आपको कोई फार्मूला बताए वो फार्मूला कर लो, ऐसे नहीं, एक साइंटिफिक काम है। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो इसमें इतनी ग्रोथ है कि कोई भी नहीं सोच सकता। और सिर्फ 20 बातें हैं, 20 बातों को आप ध्यान से सुनो, उनको समझो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और ये नहीं है कि डॉक्टर का होना ही जरूरी है, इसमें डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। जिस आदमी के पास कॉमन सेंस है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे जो लेबर का काम करते हैं, इस फार्म पे लेबर बहुत अच्छी है, खासकर एक ऐसा लेबर लगता है कि इसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो बॉडी वेट ग्रेडिंग इतना अच्छी करता है कि उसकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी आती है। मैं देखता हूँ जब जाके, तो मैं कहता हूँ यार ग्रेडिंग कौन करता है, कौन ध्यान देता है? तो कहते हैं कि ये वो लड़का, उसका नाम, मैं उसको बुलाता हूँ, पूछता हूँ भाई कैसे करता है। उसका काम ही है डेली उसको ग्रेडिंग ही करना है, छोटे बच्चों को निकालना, बड़े बच्चों को निकालना। सिर्फ छोटा बेटा बच्चों को छोटों में करता है, बड़ा बच्चों को बड़ों में करता है। बहुत ज्यादा वजन तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप सुखी जीवन जियोगे। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्रायलर ब्रीडर मैनेजमेंट एंड डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम। बोलिए। देखो, सबसे पहले हमारा ब्रूडिंग होता है, तो ब्रूडिंग का सारी चीजों का आप लोगों को पहले, ब्रूडिंग से पहले हमें क्या करना है, उन चीजों पे आपका ध्यान रहता है। तो ब्रूडिंग में मोर्टेलिटी किस किस कारण से होती है, पहले हमें इस बात को अच्छे से समझना होता है। सबसे पहले योक सेक इन्फेक्शन, ये तीन टर्मिनोलॉजी है भाई, इसको आप ध्यान से समझो। एक है योक सेक इन्फेक्शन, एक है रिटेंशन ऑफ योक, और एक है ओम्फलाइटिस। लोग इसको एक ही मानते हैं, इवन मेरे डॉक्टर्स हैं वो भी इसको एक ही मान के चलते हैं, लेकिन ये चीजें अलग अलग हैं। सबसे पहले योक क्या है, योक रिजर्व फूड है। चिक्स के अंदर योक एक रिजर्व फूड है जो 72 घंटे के लिए, चिक्स कहीं भी आप भेजो, कुदरत ने उसको एक रिजर्व फूड दिया है योक। और योक जो नेचुरल होता है वो येलो कलर का होता है। अगर योक का कलर ग्रीन कलर का है, रेड कलर में है, ब्लैक इसमें है, कोई और कलर है, जैसे सरसों का रंग होता है हल्का सा, इसी तरह से योक का रंग होता है। डॉक्टर अगर साहब आप, दोबारा प्रेजेंट। अगर आप लोगों को ये समझ में आए कि योक का कलर कैसा है, तो आप डे ओल्ड चिक्स का योक का कलर देखिए, नॉर्मल योक को पहचानिए और अफेक्टेड योक को पहचानिए। अगर योक आपको ग्रीन कलर में मिलता है, फैला हुआ मिलता है, ब्लैकिश कलर में मिलता है, तो आप ये सोचो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरली अगर योक से एक इन्फेक्शन है, तो योक उसमें फैला हुआ होगा, पेट है, जैसे उसको आप टच करोगे चिक्स को, पेट फैला हुआ होगा, एक्सटेंडेड होगा। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ध्यान देना है अंडे की क्वालिटी के ऊपर, जो आपका हैचिंग एग्स है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उस पर हमें ध्यान देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा शेडो में। शेडो में हमें ये देखना है कि जब मुर्गी अंडा देती है, क्या वो अंडा जब दे रही है तो वो साफ सुथरा है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, तो बाहर आते ही अगर मैट खराब है, अगर आपके शेड में मैट खराब है, तो भैया छोटे से थोड़े सी मिट्टी है, जैसे थोड़ा भी ड्रॉपिंग्स है, उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी मैट है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको डेली बेसिस पे मैट के ऊपर ब्रश मारना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, और सप्ताह में जैसे संडे वाला दिन है, संडे वाले दिन मैट को धुलाई करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, देखो हमने अंडा पैदा कर लिया है, ठीक है, बर्ड ले आए, अंडा पैदा कर लिया, लेकिन हमने अंडे की केयर नहीं की, तो जो बच्चा निकलेगा, या तो बच्चे कम निकलेंगे या बच्चे निकलेंगे तो उसमें योक की प्रॉब्लम होगी। तो ये है योक सेक इन्फेक्शन, और इसकी छोटी सी ये है। और दूसरा क्या होता है, अगर अंडे का छिलका कमजोर है, अंडे का छिलका कमजोर कब होता है, जब आपका फ्लॉक 50 वीक से ऊपर प्रोडक्शन पे जाता है, 50 वीक का हो जाता है उसके बाद, और उसमें हमें क्या ध्यान देना होता है,
सबसे पहले ध्यान देना होता है भाई, बीट पतली तो नहीं आ रही, लूज ड्रॉपिंग्स तो नहीं है। अगर लूज ड्रॉपिंग्स हैं तो हमें लूज ड्रॉपिंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि लूज ड्रॉपिंग्स का कारण क्या है। लूज ड्रॉपिंग से क्या क्या कारण हो सकते हैं अपने दिमाग में लगा के बैठो। लेकिन जो आजकल के दिन है, जो जुलाई और अगस्त का या 15-20 सितंबर तक का पीरियड है, इसमें क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हवा की सर्कुलेशन कम होती है, ठीक है, और बर्ड्स में स्ट्रेस रहता है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है सिंपल एक ही थ्योरी है, हवा का सर्कुलेशन बढ़ाना। हम पैड पे ध्यान ना देके कोई ऐसा मैकेनिज्म करें, या तो पैड के साइड कोई खिड़की हो उनको खोल लें, और अगर खिड़की नहीं है तो हम थोड़ा गेट खोल दें ताकि फ्रेश एयर बाहर से जाए और वो मिक्स होके बाहर निकल जाए। ठीक है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। तो योक सैक इन्फेक्शन के लिए ये जरूरी है कि आपके बर्ड्स में एंट्राइटिस की प्रॉब्लम ना हो। देखो एंट्राइटिस क्या है, एंट्राइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, आंतों का मोटा होना, ठीक है। और इसमें क्या है, जो ये जो पीरियड है जुलाई अगस्त और सितंबर, इसमें स्ट्रेस के कारण पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स हैं आंतों के बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके कारण जो अब्जॉर्प्शंस हैं, जो हम खिलाते हैं, वो अब्जॉर्ब कम होता है, तो अंडे की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि ऐसे दिनों में जुलाई अगस्त सितंबर में आप एंट्रिक इन्फेक्शन के लिए जो भी आपके पास दवा है आप फीड में जरूर जरूर डालें। और क्या क्या दवा हो सकती है, आप सिंपली फ्यूराजोलिडोन यूज कर सकते हो, बीफर के नाम से है। आप जिंक बेसिटेरासिन यूज कर सकते हो, आप क्लोरोहाइड्रोक्सी क्यूनोलिन यूज कर सकते हो। तीनों दवाइयों को एक साथ भी यूज कर सकते हो, दो को भी कर सकते हो। और फ्यूराजोलिडोन को आपको यूज करना है तो बीफर है 2 किलो 1 टन में यूज होगी, एलबेक है 1 किलो 1 टन में यूज होगी, और अगर CHQ60 है क्लोरोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन वो आधा किलो 1 टन में यूज होगी। आप तीनों को यूज कर सकते हैं, दो को यूज कर सकते हैं, और इसमें ऐसे होता है कि आप कंटिन्यू यूज करें, 15 दिन कोई यूज कर लें, 15 दिन कोई यूज, 15 दिन कोई यूज कर लें। तो सबसे पहले ऐसे है। दूसरा रीजन क्या होता है, टॉक्सिन्स वगैरह ज्यादा होते हैं। अगर आपके फीड के ग्रेन्स की क्वालिटी अच्छी है, मक्का से ज्यादा प्रॉब्लम हो कहीं भी, या मॉइस्चर ग्रेन में ज्यादा है, तो उस समय ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो हमें टॉक्सिन्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे पास प्रोडक्ट है बायोबेंटॉक्स भी, सिंपल भी है और प्लस भी है, आप कोई भी उसमें से प्रॉपर डोज में यूज कर सकते हो। और यूज करने के बाद ये ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसको डाला, और डालने के बाद जैसे फीड, आज का फीड बनाए, आज का फीड बनाए और उसको छोड़ दिया, और आज ही मैं आपको कहता हूं कि आप कम से कम 3 दिन का फीड बना के रखें। और एक चीज का और ध्यान रखें, एंटी फंगल कभी भी आप अपने विटामिन प्रीमिक्स में ना डालें। मैं बहुत सारी जगह जाके लोगों को देखता हूँ, उनके तरीके समझता हूँ, कई कई जगह मैंने देखा विटामिन ई की कमी आ रही है, तो मैं पूछता भाई विटामिन ई कौन सा दे रहे हो, उनका विटामिन्स भी ठीक है, उन्होंने जो डाल ली है डोज भी ठीक है। तो फिर मैं धीरे 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 बात करके जज करता हूँ कि इसका कारण क्या है। तो मुझे कारण नजर आता है कि जो विटामिन प्रीमिक्स है उसी के अंदर उन्होंने उन्होंने उसी में एंटी फंगल डाला हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, एंटी फंगल विटामिन प्रीमिक्स में नहीं डालना। इसके लिए ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा ग्रेन, जैसे मक्का है, उसको बारीक साइज का कीजिए, उसके अंदर एंटी फंगल मिलाइए और उसको बाद के अंदर मिक्स कीजिए सारे को। तो ये प्रिकॉशन मैं 90% लोगों के यहाँ देखी, और फिर मैंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया, किसी को समझ में इमीजिएटली आ गई, किसी को लेट समझ में आ गई। तो ये वो चीज है जो बिना पैसे की चीज है, आप चीज भी दे रहे हो और उसका फायदा भी मिल रहा हो। हम दोबारा वही आते हैं, योक सैक इन्फेक्शन। योक सैक इन्फेक्शन के लिए ये जरूरी है कि आपके बर्ड्स में लूज ड्रॉपिंग्स ना हो, ठीक है। दूसरा, जब वो अंडा दे तो मैट की सफाई प्रॉपर हो,
तीसरा, जब आप उसको स्टोरेज करते हो, स्टोरेज करने से पहले अंडे का प्रॉपर फ्यूमिगेशन हो, ठीक है, और यूज्ड ट्रे यूज ना करें, जैसे पहले से ट्रे यूज हो रही है उनको बार बार यूज ना करें। तो ये छोटी सी बात है। और योक सेक इन्फेक्शन का और भी कुछ लगता है आपको, क्या कारण है? तो ज्यादातर यही कारण मिलते हैं। बर्ड देखने में ठीक होता है, प्रोडक्शन ठीक होती है, सिर्फ हमारी छोटी छोटी मैनेजमेंट की बातें जिसपे कोई पैसा नहीं लगता। फार्मर्स मेरे से कहते हैं, डॉक्टर साहब लोग मानते नहीं, सुनते नहीं, लेबर ऐसी है। नहीं भैया, लेबर ऐसी नहीं है, लेबर को काम करना होता है, वो तो सारा दिन काम में लगे रहते हैं। कितना काम करते हैं मैं और आप लोग कभी नहीं कर सकते, वो बहुत काम करते हैं। हमें सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है। नंबर एक बात, लेबर मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है कि आप एक दिन फिक्स करें, लेबर सुपरवाइजर मैनेजर, उन लोगों को आप, देना जैसे यहाँ पे वहां पे सिंगल सिंगल है। हेलो, अरे बीच में ना बोले भैया, आपको लेबर के लिए ये करना जरूरी है कि सप्ताह में एक दिन घंटे के लिए आप उनको अपने पास बुलाओ, उनको बढ़िया चाय पिलाओ, कुछ अच्छा सा खिलाओ पिलाओ, और उनसे छोटी छोटी बातें सुनो। और आप उनसे क्या काम करवाना चाहते हो, आप सबकी मीटिंग्स लेके कराओ कि भैया हमारे यहाँ योग सेक के ज्यादा केसेज हैं, उसका कारण ये है। अगर हम ये ध्यान रखें कि मैट की सफाई प्रॉपर हो, अगर हम उसको ब्रश करते रहें रेगुलर बेसिस पे, सुबह जैसे 9 बजे से लेके और 1 बजे तक बहुत ज्यादा काम नहीं होता, ठीक है, सिर्फ अंडे ठाणे का काम है। और जो आपके लोग हैं, अगर आप शेड में एक आदमी को ये कहो कि आपको डेली जैसे 1 लाइन ये साफ करनी है, 2 लाइन करनी है, 3, आप टारगेट फिक्स कीजिए और आप मैट की सफाई के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को मैंने और देखा कि जैसे कुछ मुर्गी मर्गी केज में, और केज होगा खाली, और उसके बाद जो बीट है, बीट उसमें 1 महीने से वहीं स्टोर पड़ी है, वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो वहां बीट पड़ने के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद वहां जुए पैदा हो जाती है। जुए पैदा होने के बाद फिर आपको पता है क्या हाल होता है। अगर आप चाहते हैं जुए पैदा भी ना हो, तो आपको सफाई के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जहां बर्ड नहीं है जिस केज में, उस पे मैट भी नहीं रखना, उसकी मैट हटा दो और उसको सफाई करके छोड़ो। ये चीज पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको योक सेक इन्फेक्शन समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है रिटेंशन ऑफ योक। रिटेंशन ऑफ योक क्या होता है भैया, 72 घंटे तक योक रहता है बर्ड के अंदर, ठीक है। अगर उसकी एक्टिविटीज कम है, अगर उसकी एक्टिविटीज कम है, तो 72 घंटे की बजाय वो 96 आवर्स भी रह जाता है। अदरवाइज अगर फिर भी वो योग डिजोल्व नहीं होता, तो उसके कारण होते हैं, कभी सिंपली इकोलाई है या कोई वायरल इन्फेक्शन है। तो हमें ये डिफरेंशिएट करना चाहिए, योग से कि इन्फेक्शन है या रिटेंशन ऑफ योग है। कई बार लोग आते हैं पहले दिन दूसरे दिन चिक्स दिखाते हैं, कहते हैं जी योग की प्रॉब्लम है। अरे योग तो कुदरत ने एक ब्लेसिंग दी हुई है, उसका नेचुरल फूड है, 3 दिन के लिए उसका नेचुरल फूड है, योग तो मिलेगा। तो योग का कलर कैसा है, योग का कलर येलो है, साफ सुथरा है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती, तो वो नेचुरल है। और अगर आपको योग मिलता है 5-4 दिन के बाद भी, 6 दिन पे भी, तो ये रिटेंशन ऑफ योग है। तो योग से एक इन्फेक्शन, रिटेंशन ऑफ योग, दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात है भाई, ओम्फलाइटिस। ओम्फलाइटिस क्या है, हरियाणा में जो नाभि, नाभि को तो हरियाणा क्या सभी समझते हैं, या सुंडी बोलते हैं या नेवल बोलते हैं इंग्लिश में, अगर उसके चारों तरफ देखो ओम्फलाइटिस, जहां भी टी आई एस आखिरी में लगता है, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ नेवल, जो नेवल है उसका इन्फ्लामेशन, उसको बोलते हैं ओम्फलाइटिस। और ये जब होता है, जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहे, जहां सफाई की कमी हो, मशीनों में हो, तब ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, ओम्फलाइटिस के केसेज आते हैं। तो ओम्फलाइटिस को भी आप समझे, 3 चीजें होंगी, योक सेक इन्फेक्शन, रिटेंशन ऑफ योक एंड ओम्फलाइटिस। आप तीनों को आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो।
चौथी चीज इसमें मैंने मेंशन नहीं की, कई बार क्या है कि जो उसका नेवल है, जो उसकी नाभि है, वो खुली रह जाती है। ऐसे भी ये चीज जो ऐसे होते हैं जिनको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, इसको हमें फ्लाई में नहीं भेजना चाहिए। चौथा है विसरल गाउट। देखो भाई, विसरल गाउट एक बड़ा टॉपिक है। विसरल गाउट में कुछ मैनेजमेंट की बातें हैं, ठीक है, कुछ डिजीज की बातें हैं, तो मैनेजमेंट की बातें हैं उसको आप ध्यान से समझो। पहला है पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन। अगर छोटे बच्चों को पानी कम मिलता है या किसी कारण से वो पानी कम पी पाते हैं, पानी कम कब 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 कम पी पाते हैं, या तो पानी में बहुत ज्यादा मेडिकेशन हो, या पानी क्या है अप्रोच ठीक ना हो, वो पी ना पाते हो, या फिर क्या है कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है सर्दियों में, कोई ना कोई ऐसा कारण जिससे वो कम पानी पीते हैं, उससे क्या होते हैं उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। और डिहाइड्रेशन खाली पानी कम पीने से नहीं होती, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ की, जो उसकी एनवायरनमेंट है, जिस शेड में वो है, अगर वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम है, तो उसके बॉडी से वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी चिक्स आए, चिक्स आने से पहले आप शेड में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम से कम 70-75% के करीब जरूर रखें। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें आप सिंपली सेफ गार्ड का स्प्रे कर सकते हो, कोई दवाई नहीं है तो खाली पानी का स्प्रे मार सकते हो, तो इससे क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी शेड की आपको हायर साइड पे मिलेगी। आप देखते हो 3 या 4 दिन पे जो बच्चे होते हैं वो सूखे सूखे से नजर आते हैं, और आप कहते हो कि अभी गर्मी भी नहीं है, तो वो जो वाटर लॉस है, वो वाटर लॉस होता है चिक्स का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने से। और आजकल डिजिटल मीटर आता है जो टेम्परेचर भी बताता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बताता है। टेम्परेचर के ऊपर सबका ध्यान होता है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान होता है। ठीक है, उसके बाद पानी में बहुत ज्यादा मेडिकेशन डाल देते हैं, कोई कैल्शियम डाल देता है, कोई सिरका डाल देता है, कोई नौसादा डाल देता है, ठीक है, कोई लीवर टोनिक डाल देता है, कुछ भी, कोई कुछ भी डालता है। मैं कहता हूं उसको साफ सुथरा पानी चाहिए, उसको दवाइयां नहीं चाहिए। पहले दिन के बच्चे को साफ सुथरा पानी दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला रीजन है इसका, हाई कैल्शियम एंड हाई प्रोटीन इंटेक। अगर हमारे चिक्स डाइट में प्रोटीन के लेवल हायर साइड पे रहेंगे, कैल्शियम के लेवल हायर साइड पे रहेंगे, और आप अलग से कैल्शियम पानी में पिलाओगे, तो भैया मेरे कैल्शियम की प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रोटीन ज्यादा होने से उसमें विसरल गाउट आएगा। विसरल गाउट कैसे होता है, जैसे आप बर्ड को खोलोगे तो जैसे चाक का पाउडर होता है, तो सफेद सफेद पाउडर उसकी बॉडी के अंदर आपको मिलेगा, खासकर किडनीज के ऊपर, हार्ट के ऊपर, और बॉडी कई बार बहुत ज्यादा हो तो वो सारा का सारा बॉडी में मिलता है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, एक होता है आर्टिकुलर गाउट। आर्टिकुलर गाउट में क्या होता है, जैसे आप चिक्स देखते हो, चिक्स के पंजे हैं, उनके जो ज्वाइंट्स हैं उन पे स्वेलिंग होती है, वो है आर्टिकुलर गाउट। और आर्टिकुलर गाउट किससे होता है, आर्टिकुलर गाउट यूजुअली ओकरा टॉक्सिन से होते हैं। पेट में टॉक्सिन्स होते हैं, एक स्पेशल टॉक्सिन है ओकरा टॉक्सिन, उसकी वजह से ये चीजें होती है, तो इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जो चिक्स जिनके ज्वाइंट्स में स्वेलिंग है, उस चिक्स को हम सप्लाई नहीं करते, ठीक है, उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। और एक और रीजन है विसरल गाउट का, वो है अर्ली चिकन नेफ्राइटिस। अर्ली चिकन नेफ्राइटिस, अब अर्ली चिकन नेफ्राइटिस है, आज से 15-20 साल पहले तो ये कहते थे कि भाई इसका रीजन है दैट इज अननोन, इसका रीजन नहीं पता, लेकिन अब इसके रीजन पता लग गए हैं। अब इसका जो रीजन है 90%, अगर अर्ली चिकन नेफ्राइटिस है तो चांसेस रहते हैं कि आपके फ्लॉक्स हैं किसी भी तरीके से आईबी से एक्सपोज हुए हुए हैं। चिक्स में मैंने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे नेफ्राइटिस के केसेस देखे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं कि मैंने नेफ्राइटिस का केस देखा, किसी बंदे की 17,000 के करीब की सप्लाई थी और उसकी मोर्टेलिटी
300, 200, 400 ऐसे हो रही थी, डेली हो रही है, अब भी हो रही है, अब थोड़ा कम हो गया उसके दो शेड है। उसका बेसिक रीजन आप समझो, देखो इस बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमने शेड्यूल में लिखा कि आपको आईबी का जो वैक्सीन देना है H120 देना है। फार्मर बेचारा बिल्कुल नया, ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छे आदमी, लेकिन उनको इस बात की नॉलेज नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बंदे को जो नियर बाई जगह थी जहां वैक्सीन मिल सकती है उसके पास भेज दिया, और उसने कहा कि भाई वैक्सीन दे दो ये। तो उन्होंने कहा वेंट्री की, भाई ये वेंट्री की तो है नहीं मेरे पास, तो कौन सी है? उसने कहा मेरे पास ये फिब्रो कंपनी की वैक्सीन है। चलो भैया फिब्रो की, उसका कोई कंसल्टेंट था, उसने उससे कहा कि उससे बात करवा दो जी। उसने उससे बात करके कहते जी ले जाओ, ठीक है। अब देखो लापरवाही का रिजल्ट, वो लेके चला गया, उसने चिक्स को वो वैक्सीन दिया, और वैक्सीन देने के बाद आप देखो अगले दिन से उसका मोर्टेलिटी बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमारा सुपरवाइजर वहां गया हुआ था, उसने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मोर्टेलिटी बढ़ रही है, ठीक है। जाके देखा तो उसमें देखा ट्रेकिया अफेक्टेड था और किडनीज अफेक्टेड थे। हमें नहीं पता था उसने क्या वैक्सीन लगाई हुई है, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता लगा कि उसने दूसरी कंपनी का एक वैक्सीन यूज किया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे फार्मर भाइयों, आप सभी मेरे भाई हो, मैं लंबे समय से इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों का अन्न पानी चाय आप लोगों के पास आते हैं पीते हैं, आपके नमक से जुड़े हुए हैं, मेरी आपसे सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप चीजों को अच्छे से समझें, अच्छे से जानें। आप किसी भी दुकानदार पे, किसी पे भी कोई ट्रस्ट ना करें। पीएच की टीम अपने आप में सफिशियंट है, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या जरूरत है, कौन सी जरूरत है, आप कुछ भी देने से पहले हमसे वेरीफाई करवा लें। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सिंपली एक व्हाट्सएप कीजिए, कोई वैक्सीन आया उसका फोटो खींचिए, और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ट्रस्ट अस, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम आपके दोस्त हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी आपकी सफलता के ऊपर चल रही है। हम नहीं चाहते कि आप नई यूनिट लगाएं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें और उसके अंदर आपको लॉस हो, क्योंकि अगर ये लॉस होता है तो भाई रोटी भी अच्छी नहीं लगती, पानी भी अच्छा नहीं लगता, और सारा दिन मूड खराब होता है, और ये रहता है कि हमने क्या काम कर लिया। और इसका सिंपली हमारी इग्नोरेंस और हमारा ट्रस्ट उन लोगों पे करना जिन लोगों को पता नहीं। इसलिए ये जरूरी है भाइयों कि आप बात को ध्यान से समझो। हमारा बहुत बड़ा स्टाफ है, अब जिसको भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, आधी रात को सब लोग आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप हम पे ट्रस्ट कीजिए। तो ये जो अर्ली चिकन नेफ्राइटिस था, जो अर्ली चिकन नेफ्राइटिस है, इसका रीजन मैक्सिमम हमारा रहता है वायरल ओरिजिन से, और इसके अंदर रहता है आईबी का वायरस। और ये जो चीज है ये होती है अर्ली चिकन नेफ्राइटिस ड्यू टू इंड्यूस्ड वैक्सीन। जो मैंने बताया कोई भी वैक्सीन आपने डाल दी, तीन चार वैक्सीन के आईबी के मिक्स करके आपने डाल दी, भैया ये प्रैक्टिस ना करें। आप सब लोगों से मेरी खुली चैलेंज है, खुला डिबेट है, कोई भी मेरे से डिबेट कर सकता है। मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि आप लोगों के लॉसेज ना हो, आप लोगों के यहाँ कोई मोर्टेलिटी ना हो। आपको कोई भी गाइड कर रहा है, अगर आपकी मोर्टेलिटी हो रही है तो आप उसको डिस्कार्ड कीजिए। आप सिर्फ उन लोगों को चुनिए जिन लोगों से आप सुखी रह सकें। ऐसा नहीं कि उसके भी मोर्टेलिटी होती है, उसके भी मोर्टेलिटी होती है, ब्रीड खराब है, चिक्स खराब है। भैया आप इस तरह की बातें ना सुने। जो सफल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप उन लोगों के पास जाइए, उनका सिस्टम देखिए, उनको समझिए, और आप इस चीज को, इन सब बुराइयों से दूर रहिए। तो ये बेसिक चीज है अर्ली चिकन नेफ्राइटिस, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो प्री ब्रूडिंग, हाँ अभी ये पॉइंट है, आपको चाहिए एक्सेसिव मेडिकेशन इन वाटर, स्पेशली जैसे कैल्शियम है, मीठा सोडा है, सिरका है, कोई नीला थोथा भी डालता है, कोई लीवर टॉनिक भी, गुड़ भी, दूध भी, भैया आपके चूजे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपके चूजे को जरूरत है साफ सुथरा पानी पीने की। अगर उसको साफ सुथरा पानी मिलेगा, ठीक है, और हम बैलेंस फीड दे रहे हैं,
उसमें किसी कैल्शियम की जरूरत नहीं, किसी टॉनिक की जरूरत नहीं, किसी लीवर टॉनिक की जरूरत नहीं। तो ये जरूरी है कि आप अपने चिक्स को जब आए तो उसको साफ सुथरा पानी दीजिए, ठीक है। और उसमें आपको क्या देना है, आप उसको इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, आप उसको प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एबी फ्लोरा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसको पानी से दे सकते हैं, आप उसको ओरल ड्रॉप भी दे सकते हैं, आप उसको यूज कीजिए। 62.5 ग्राम 5,000 बच्चों को दिया जाता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके अंदर 200 के करीब जो नेचुरल बैक्टीरिया है, जो हेल्दी बर्ड में होते हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर हैं। वो बैक्टीरिया ही अपने आप क्या करेंगे, सारा एंटीबायोटिक सिंथेसाइज करेंगे, विटामिन बी कम्प्लेक्स सिंथेसिस करेंगे, कुछ एंजाइम्स बनाएंगे, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएंगे, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। और ब्रूडिंग अगर डीप लीटर में है तो हमें सर्कुलर गार्ड्स लगाने चाहिए, घेरे लगाने चाहिए, और 500-500 बच्चे उसके अंदर डालने चाहिए। देखो, कुछ स्ट्रेसेस ऐसे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, चिक्स को कम से कम स्ट्रेस दें, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेसेस हैं जिनको हम कम नहीं कर सकते। जैसे हैचरी लेवल पे क्या करते हैं, हम लोग एमडी की वैक्सीन करते हैं, बाइवेलेंट वैक्सीन है, एचवीटी प्लस SV1, और सिंगल डोज नहीं करते भाई, डबल डोज करके भेजते हैं। और वहीं पर हम IB की H120 वैक्सीन है, वो आई ड्रॉप करके भेजते हैं। ये दोनों काम हम करते हैं, लेकिन फिर भी जब चिक्स आपके पास आता है, अगर चिक्स हेल्दी है, अगर चिक्स में कोई स्ट्रेस नहीं है, तब आप ये आते ही कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, जब अच्छा बच्चा महसूस करे, अपने आप को अच्छा महसूस करे, तब आपको वैक्सीन देना है। तो प्री ब्रूडिंग अनअवॉइडेबल स्ट्रेसेस दो ये हो गए। तीसरा, हैचरी लेवल पे हम सेक्सिंग करते हैं, देखते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, डबिंग करते हैं मेल्स की, टो क्लिपिंग करते हैं, और सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्टेशन। कई जगह ट्रांसपोर्टेशन 5-7 घंटे में, कई जगह ट्रांसपोर्टेशन में 24-24 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये सारे वो हैं जो अनअवॉइडेबल स्ट्रेसेज हैं। और जो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेज हैं, इंड्यूस्ड कौन से, जो स्ट्रेस हम पैदा करते हैं। देखो, मैं लोगों को जाके बोलता हूँ, बात समझाता हूँ, जो हमारे ब्रूडिंग सुपरवाइजर्स हैं उनको भी समझाता हूँ, लेकिन लोग क्या है, बात को नहीं सुनते। देखो, हमने आपको चूजे दे दिए, एक चूजा 300 रुपए के करीब पड़ रहा है, आप उसको बॉक्सेज हैं, बॉक्सेज में रख दिया, और फिर कह दिया यार पहले वैक्सीन लगाएंगे MD की। पहले तो वो 8-10 घंटे चल के आया है, फिर आपने बॉक्सेज में उसको छोड़ दिया, उसको लगाते लगाते भी आपको 5-4 घंटे 6 घंटे लगे, तो आपने एक स्ट्रेस उसको दे दिया। जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये प्रैक्टिस है कि पहले डब्बों को खोलिए, उसको साफ सुथरा पानी दीजिए, ठीक है, और एयर सर्कुलेशन बढ़ाइए, ठीक है। अगर सर्दी है तो आप छोटा एग्जॉस्ट फैन यूज कीजिए ताकि हवा का सर्कुलेशन बढ़े। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ध्यान दीजिए। क्रॉस वेंटिलेशन किस लिए देना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के लेवल 20.4% के करीब रखना है। ये जो ऑक्सीजन का लेवल है, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। और सुनो भैया, अगर आपके चिक्स में, छोटे चिक्स में आपने ऑक्सीजन के लेवल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो होता क्या है, सपोज करो 10,000 चिक्स हैं, 10,000 चिक्स में कितने हो गए, 20,000 लंग्स हो गए, 20,000 लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ठीक है, बीट की, उससे अमोनिया डेवलप हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वो क्वांटिटी बढ़ती चली गई, ऑक्सीजन की कम हो गई। और इसके कारण क्या होगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होगा, जो सांस की नली है, सांस की नली पे एक सिलिएटेड एपिथीलियम होता है, तो जो उसके सिलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और जो इन्फेक्शन है वो सीधा का सीधा लंग्स में जाता है। तो आप ये देसी तरीके से मैंने बात समझाई है, आप ध्यान रखें, एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी चीज, अगर आपकी ब्रूडिंग में एक एग्जॉस्ट फैन है छोटा, चाहे आपका किचन वाला ही है, तो भी आपका पर्पस सॉल्व कर देगा, बहुत स्लो स्लो आपके गैसेस को बाहर निकाल देगा,
और कहीं से इनलेट से थोड़ी थोड़ी हवा ले आएगा, इससे आपके यहाँ ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाएंगे और चिक्स अच्छा महसूस करेगा। तो जो बेस्ट चॉइस है, आप डब्बे में वैक्सीन कभी भी ना लगाएं, पहले चिक्स को ओपन छोड़ दें और दूसरे या तीसरे दिन एमडी का वैक्सीन दें। और खास बात यह है, जो नए लोग हैं जिनके पहली बार ही आ रहे हैं चिक्स, मुझे लगता है उन लोगों को अपने यहाँ एमडी का वैक्सीन करने की दोबारा जरूरत नहीं है। ये उसलिए जरूरी है कि मल्टी एज फ्लॉक्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लॉक्स होते हैं, वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक डाउन ना हो जाए, प्रिकॉशन के कारण लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे फ्लॉक्स हैं, आप चाहें तो अच्छी बात है, करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर छोटे फ्लॉक्स हैं, नए फार्म्स हैं, अगर आपने ना भी किया तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। आप पहला फ्लॉक छोड़ सकते हैं, सेकंड फ्लॉक में शुरू कर सकते हैं। अब पांच अलर्ट्स हैं ड्यूरिंग ब्रूडिंग फेज में। पांच अलर्ट्स कौन कौन से हैं भाई, पांच सावधानियां कौन कौन सी है? देखो, बहुत कम लोग हैं जो वाटर मॉनिटरिंग पे ध्यान देते हैं कि भी कितना पानी पिया, तो हमें डेली वाटर मॉनिटरिंग के ऊपर ध्यान देना है। वाटर मॉनिटरिंग पे ये ध्यान देना है, निप्पल ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं। और जब चिक्स आपके आते हैं, तो पहले अगर केजेस में है तो हमें पानी के छोटे ब्रूडर, छोटे ड्रिंकर लगाने होते हैं, उसी के अंदर फीड की प्लेट्स लगानी होती है 3-4 दिन के लिए। और हमें जो निप्पल्स हैं, एक डंडी लेके हर एक निप्पल पे मार के ऐसे, ताकि जो पानी है थोड़ा गिरे, ताकि चिक्स को पता लगे, और निप्पल की पोजीशन नीचे करके रखते हैं ताकि बीच में चिक्स वहां भी शुरू कर दें। दूसरा, ब्रूडिंग में क्या है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग एट मल्टीपल स्पॉट्स इनसाइड द ब्रूडिंग हाउस, इसके ऊपर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने बुखारी लगाई हुई है और केजीज हैं कहीं, तो केज के पास जहाँ बुखारी है वहां टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा मुझे एक केस याद है सोनीपत का, ये आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या, बुखारी लगा रखी थी, बुखारी के बिल्कुल ही पास, ठीक है, केज के अंदर चिक्स थे, उसमें बहुत बुरी तरह से डिहाइड्रेशन हो गया, बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया। बढ़ जाके देखा तो मैंने कहा इतना डिहाइड्रेशन कैसा। क्या लोग यूजुअली ये नहीं कहते कि हमसे ये गलती होगी, वो बात को फैब्रिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात समझ में आ जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपकी बुखारी अगर केजीज के पास है, तो आप 5-6 केज उस साइड के, उसके पास के खाली छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर ध्यान देना, 65-70% के करीब जरूर हो। और शेड में ऑक्सीजन लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो बेसिक जड़ है, उसकी बेसिक जड़ है ऑक्सीजन की मात्रा आपके ब्रूडिंग स्टेज में कम होना। और एक और खास बात बताता हूँ, जब सर्दियों का दिन होता है, सर्दियों में क्या होता है कि आप चारों तरफ से शेड को एयर पैक कर देते हो, उसमें ऑक्सीजन उसको इनलेट होता नहीं, तो उससे क्या होता है, जब बच्चा 20-21 दिन के करीब पहुंचता है, तो उसके बाद उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। आप उसकी जड़ नहीं समझते, उसकी जड़ क्या है, उसकी जड़ है जो आपने ब्रूडिंग में छोटे में ऑक्सीजन से उसको वंचित रखा, उसके कारण 20-21 दिन के बाद उसके लंग्स काम नहीं करते, और उसके बाद उसमें एसाइटिस का प्रॉब्लम रहता है पानी भरने का। तो सर्दियों में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और आपको ध्यान रखना है कि छोटा एग्जॉस्ट फैन ब्रूडिंग में जरूर 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 लगाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मिनिमम रहेगी। उसके बाद है लाइट का अरेंजमेंट, लाइट एक जैसी हो शेड में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। और जो छोटे चिक्स होते हैं, उसको 3 दिन के लिए इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, शुरू के 3 दिन 70-80 लक्स चाहिए, उसके बाद आप इसको कम कर सकते हैं, 25-30 तक भी ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक और खास बात है, मैं शेड्स में देखता हूं लोगों के, जो चूजे कमजोर हैं, लंगड़े हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक डब्बे में डाल के रख दिए, या एक केज में रख दिए, या शेड में बाहर कर दिए, भैया इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी बच्चा आपको सुस्त लगता है, जो बच्चा आपको ये लगता है कि ये तैयार नहीं हो सकता, उसका इंतजार ना करें कि वो यहाँ शेड में मरे, सिंपली एक पॉलीथीन उठाओ और उस पॉलीथीन में डालो, गांठ मारो
और लेबर को कहो जाओ इसको बाहर रखो, शेड में नहीं रखना। शेड में रखोगे वो ससेप्टिबल बर्ड है। ससेप्टिबल बर्ड कौन सा होता है? वो होता है ससेप्टिबल बर्ड जो आराम से बीमारियों को पकड़ ले, साइड में से जा रहा है ना कोई भी बैक्टीरिया कोई वायरस, उसको अपनी तरफ खींच ले और खींच के उसको मल्टीप्लाई करे, ये होता है ससेप्टिबल। तो ससेप्टिबल बर्ड्स होंगे वही होंगे जो आपके सिक हैं, लेम हैं, ठीक है, कमजोर हैं, आप उनको जैसे जैसे नजर आए आप उनको डिस्ट्रॉय करें, और टांगे पतली हैं आप उनको डिस्ट्रॉय करें, आप उनको रखने की कोशिश ना करें। अब उसके बाद क्या है, ब्रूडिंग में आपको स्पेस के ऊपर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो जो स्पेस है आपको क्या करना है कि जैसे हमारे केजेस होते हैं 15 इंची चौड़े 30 इंची लंबे, ठीक है भाई, इसमें हम 20 चिक्स रखते हैं एक बॉक्स में। लेकिन मैं कहता हूं आप 20 मत रखिए, उसका रीजन है आप उसके बजाय 14 15 16 रखिए, क्योंकि शुरू के 3 दिन में आपको उसमें पानी का बर्तन भी रखना है और फीड की प्लेट भी रखनी है। कोशिश करो आप 12 चिक्स रखो, ठीक है, और धीरे धीरे उसको और कम करते चले जाओ। तो ये है आपका 0 से 4 वीक, 3 वीक, और चौथे वीक पे आपको 8 चिक्स रखने हैं, और फिर 4 से 6 तक 8 चिक्स रखो, और 7 से 16 वीक पे सिर्फ 3 बर्ड्स रखो। अभी देखो जो लोग इस बात को नहीं समझते, जो लोग इस बात को नहीं समझते, जैसे 4 से 6 वीक पे 8 ही चिक्स रखने हैं और वो उससे मान लो वो ज्यादा रखते हैं, और 7 से 16 वीक पे भी 4 4 5 5 बर्ड में यूजुअली देखता हूँ, तो प्रॉब्लम आती है। और वो प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम फीड रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसके 10 12 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, आप लोगों की भाषा में कहते हैं जी प्रोलैप्स हो रहा है। वो प्रोलैप्स नहीं, उसको केस बोलते हैं इंटू सुसेप्शन, इंटू सुसेप्शन, ये स्पेलिंग गलत है, चलो एनीवे इंटू सुसेप्शन बोलते हैं, आते बाहर आ जाती है, उसके ऊपर अलग से मैं टॉपिक कवर करूंगा। तो आपको स्पेस मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात है जो शुरू के 4 सप्ताह होते हैं, शुरू के 4 सप्ताह में चिक्स का इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, उसको कैसा परफॉर्म करना है, उसको कितने अंडे देने हैं, उसमें उसको कैसे बीमारियों से लड़ना है, सारा का सारा उसका स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है। तो शुरू के 4 सप्ताह सबसे ज्यादा क्रूशियल है, इसी में फेदर की कवरेज होती है, स्केलेटल की ग्रोथ होती है और इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। और हमारा क्या टारगेट होता है कि 4 सप्ताह तक हमें फीमेल का वेट लेना होता है 490 ग्राम के करीब, मेल का वेट लेना होता है 700 ग्राम के करीब। इसके लिए हमें क्या करना होता है, 2nd वीक तक तो हमें फीमेल की फुल फीडिंग करनी है, ठीक है, और उसको कितना प्रोटीन जाना चाहिए 170 ग्राम के करीब, और 3 सप्ताह तक हमें देना होता है मेल को ताकि वो 200 ग्राम के करीब प्रोटीन ले ले। इसके ऊपर भी मैं आपको बात करूंगा थोड़ा, देखो थोड़ा प्रैक्टिकल बात है, हम फुल फीडिंग करते हैं, मैंने ये देखा, मैंने डेली मॉनिटरिंग की चिक्स की कि कितना फीड खाता है, मैंने उसका डीप लीटर में केजीज में सारा मॉनिटरिंग किया, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, तो मैंने ये देखा 12 दिन तक वो फीड ज्यादा नहीं लेता, जैसा हमारा शेड्यूल है उसी हिसाब से चलता है। 13वें दिन एकदम से वो फीड लेना शुरू कर देता है, स्पीड से फीड लेता है। तो हमें फीड कंट्रोल प्रोग्राम कब करना है, हमें फीड कंट्रोल प्रोग्राम जब करना है भैया, सबसे पहले हमें 12 दिन के बाद लाइट नहीं देना। एक हमारा काम क्या होगा, लाइट के थ्रू फीड कंट्रोल, 12 दिन के बाद आप रात की लाइट ना दें, आर्टिफिशियल लाइट ना दें, ठीक है, इससे धीरे धीरे अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे हमारा शेड्यूल है, जैसे हमारे फीड फार्मुलेशंस हैं, उसके हिसाब से आप उसको कब फीडिंग देना शुरू कर सकते हो, ठीक है, आपका फीड का आपको जजमेंट हो जाएगा। अगर छोटा चूजा है तो छोटे चूजे को निकालो और आप उसको केज में शिफ्ट करो छोटे छोटों को, और उसको फीड थोड़ा लंबे टाइम तक उसके सामने अवेलेबल रहे, ठीक है। तो हमें इंडिविजुअल बर्ड्स की जो वेइंग करनी है उस पे आपको ये ध्यान रखना है कि दिन फिक्स कर लिया, जैसे मान लो संडे फिक्स कर लिया,
संडे फिक्स कर लिया, तो आपने केज नंबर देख लिया, भाई मेरे को 10 नंबर केज का देखना सिस्टम, तो 10 नंबर केज के आप बर्ड्स हैं। संडे को चेक किया, टाइम है 11 बजे, चेक किया, केज भी फिक्स हो, लाइन भी फिक्स हो, तो हमें ये पता लग जाता है कि वेट गेन कैसे हो रहा है, बर्ड्स का बिहेवियर कैसा है, फीड प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अचानक शेड में आप क्या कर सकते हो, कभी भी शेड में जाओ, बीच में कहीं भी जाके एक केज में से 3 बर्ड है, 4 है, 8 है, जितने भी बर्ड्स हैं सारे बर्ड्स को आप इंडिविजुअल तोड़ना शुरू करें और एक कॉपी पे लिखो, उसी टाइम लिखो, और आपको ये पता लग जाएगा वेरिएशन कितनी है। अगर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा बर्ड बड़े हैं, तो इमीजिएटली आपको करना है कि बड़े बर्ड्स बड़ों में चले जाएं, छोटे बर्ड्स छोटों में चले जाएं, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर, आपके लोगों में समझ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और आप यूनिफॉर्मिटी पे अर्ली स्टेज में ही ध्यान देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये स्पेस मैनेजमेंट है। स्पेस मैनेजमेंट ब्रूडिंग में हमें देना है 56 स्क्वायर इंचेस 1 से 6 वीक, और मेल को देना है 75 स्क्वायर इंच, ठीक है, और 7 से 16 वीक पे 90 स्क्वायर इंच फीमेल को, 135 मेल को, और 17 से कलिंग तक 124 से आप इसको बढ़ा सकते हो, आजकल थोड़ा बढ़ के जरूरत है, 135 तक ले जा सकते हो, और वो मेल में 180। तो अगर आपने स्पेस नहीं दिया, टाइम पे स्पेस नहीं दिया, तो क्या होता है, एक तो उसमें अनइवन ग्रोथ होती है, दूसरे इनटू सुसेप्शन के केसेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपके मेल बर्ड्स खराब हो जाते हैं। अगर आप स्पेस नहीं देते तो मेल के पांव टेढ़े होते हैं, टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, कहीं गोड़ों पे स्वेलिंग हो जाती है, कोई मेल बड़ा हो जाता है, कोई मेल छोटा हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि मेल प्रोडक्टिव नहीं रहते, और इसी तरह से जो छोटी फीमेल रह जाती है वो फीमेल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो सबसे ज्यादा आपको स्पेस के ऊपर ध्यान देना होता है। उसके बाद आपको वाटर की पीएच के ऊपर ध्यान देता है, जैसे हम पानी को टेस्ट करवाते हैं, तो पानी के ऊपर हमें मोटा मोटी देखनी है पीएच कितनी है। जो पोल्ट्री के लिए पानी है वो 6.8 से लेके 7.5 तक होता है। पीएच क्या होती है भाई, पीएच होती है एच आयन कंसेंट्रेशन। तो उसमें क्या देखते हैं, जैसे 7 तक है, 7 है न्यूट्रल, 7 से नीचे है वो एसिडिक, और 7 से ऊपर है एल्कलाइन। तो हमें पानी की पीएच देखनी है कि पानी की पीएच कितनी है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, उसकी 7.5 से ज्यादा है, 8 से भी ज्यादा है, मैक्सिमम जगह मैं देखता हूँ 7.8 है, 8.5 है, तो अगर वो हायर साइड है तो हमें कोई ना कोई एसिडिफायर उसके अंदर पानी में भी देना चाहिए। उसके बाद है हमारा कोलीफॉर्म काउंट, उसके अंदर ईकोलाई के एंट्रिक इन्फेक्शन कोलीफॉर्म बैक्टीरिया उसके अंदर कितना है, उसका भी काउंट देखते हैं, और यूजुअली वो कितना होना चाहिए वो मैं आगे स्लाइड में दिखाता हूँ। फिर हम ध्यान देते हैं पानी में हार्डनेस कैसी है, ठीक है। फिर हमें ध्यान देना चाहिए पाइपलाइंस है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग टाइम टू टाइम हो रही है नहीं, ठीक है, और जो निप्पल की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं, क्योंकि तो हमें अपने चिक्स के ऊपर उसको अच्छा पानी देना ही देना हर कोस पे। अब ये देखो, एक ये टेबल है मैंने अभी किसी से ली है, तो इसमें पीएच है पानी की वो 6.8 to 7.5 है, ठीक है, और पोल्ट्री में अगर पीएच 6 से कम है तो ये डिजायरेबल नहीं है, ठीक है, उससे बर्ड की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। और उसके साथ जैसे अगर ई कोलाई या कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो 0 होने चाहिए, और इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 50 से 100 तक है, लेकिन फिर भी ये 0 ही होना चाहिए, जो 0, अगर पानी आपका 100 फीट से नीचे है तो आपका ये 0 ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, इनके जो एक्सेप्टेबल लेवल्स हैं 10 मिलीग्राम पर लीटर से 45 मिलीग्राम पर लीटर है मैक्सिमम, और लेवल्स फ्रॉम 3 to 20 मिलीग्राम पर लीटर अफेक्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद है टोटल हार्डनेस, हार्डनेस 60 से 180, और हार्डनेस लेस देन यूजुअली सॉफ्ट, अगर हार्डनेस 60 से कम है तो पानी सॉफ्ट होगा, और 180 से ऊपर है तो वो हार्ड होगा। और उसके बाद पानी के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनके साल्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम का लेवल है 60 मिलीग्राम पर लीटर,
लेवल एज लो एज 14 मिलीग्राम पर लीटर मे बी डेट्रीमेंटल इफ द सोडियम लेवल इज हायर देन 50 mg पर एल पर लीटर। तो क्लोराइड्स के लेवल पे भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। क्लोराइड्स का 14 से 225 तक एक्सेप्टेबल है, कॉपर का 0.002 से 0.6 तक, और अगर हायर लेवल है तो उसमें स्मेल आती है, बैड ऑर्डर आता है, टेस्ट भी बुरा होता है। इसी तरह से आयरन का है, आयरन के ज्यादा वो होते हैं तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं रहती, और आयरन के लेवल है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर टू 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरह लेड है, लेड का है 0.02 मिलीग्राम पर लीटर, और हायर लेवल्स आर टॉक्सिक। मैग्नीशियम है, इसी तरह से हमें मैग्नीशियम पे ध्यान देना है, मैक्सिमम लेवल इसका 125 मिलीग्राम पर लीटर है, और अगर ये ज्यादा है तो इसमें क्या लूज ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से हमें सोडियम के ऊपर ध्यान देना है, सोडियम का लेवल भी ज्यादा है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, और इसमें क्या है कि हमें सल्फेट आयन्स के ऊपर, क्लोराइड आयन्स के ऊपर, इनके ऊपर भी ध्यान देना है। सल्फेट के लेवल्स भी 125 to 250। तो ये सारा का सारा, इसी तरह जिंक का है, तो अगर जिंक के लेवल हायर साइड पे है पानी में 1.5 mg पर लीटर से ज्यादा है तो इट इज ऑल्सो टॉक्सिक। हार्डनेस ऑफ वाटर, अब हार्डनेस में क्या है, जो डिजोल्व साल्ट हैं कैल्शियम के या मैग्नीशियम के या जिंक के, और उसमें क्या होता है कार्बोनेट्स और सल्फेट्स होते हैं, तो जो हार्डनेस है 0 से 60 तक वो सॉफ्ट है, 61 से 120 मॉडरेटरी हार्ड है, 121 से 180 हार्ड, और 180 से ज्यादा है ये वेरी हार्ड। तो पोल्ट्री में यूजुअली मैं देख रहा हूँ 300 साढ़े 300 की हार्डनेस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इस तरह का पानी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लेते हैं मैनेजमेंट में फीडिंग मैनेजमेंट। तो फीड के ऊपर आपको कैसे करना, आपको कब फीडिंग के ऊपर ध्यान देना है। कब फीडिंग में क्या होता है, जैसे एक केज में मान लो 3 बर्ड्स हैं और हमें 60 ग्राम फीड देना है, तो हमें 60 ग्राम का एक कप बना लेना है। कप कैसे बनाना है, जो भी आपके पास दवाई की बोतल आ रही है, वैक्सीन के डब्बे आ रहे हैं, वैक्सीन की बोतल आ रही है, आप उसको कट कर लें, कट करके 180 ग्राम कर लें, और 180 ग्राम पे उसका निशान लगा दें, और आप उसको लेबर को ये सारा का सारा समझाएं कि 160 ग्राम का ये डब्बा यूज करना है, ये 3 बर्ड्स पे जाना है। फीमेल की फीड, जो गलती होती है यूजुअली क्या होती है कि कई बार लोग फीमेल और मेल को साथ साथ ही एक ही तरह का चलाते हैं, तो मेल की फीड ज्यादा होती है भैया, फीमेल की कम होती है, और आपको डब्बे मेल के अलग और फीमेल के अलग अलग यूज करने हैं। और जो फीड डालते हैं रेगुलर, आपको लोग नहीं बदलने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कभी कोई फीड डाल रहा है कभी कोई डाल रहा है, क्योंकि अलग अलग लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, कोई मेल का फीमेल में डाल देगा, कोई फीमेल का मेल में डाल देगा। तो आपको कब फीडिंग के ऊपर ध्यान देना है, कब फीडिंग से क्या होगा, और फीड को क्या है बीच में डालना है, और चिक्स का बर्ड्स का क्या बिहेवियर होता है, जो जो साइड में होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फीड को पहले नहीं खाते, पहले वो फीड खाते हैं साइड वाले की, तो आपको इस तरह से फीड डालना है कि वो उसकी फीड ना खा सके, ठीक है। और एक और चीज है कि सेम बॉडी वेट को आपको, जैसे जिनके वेट मान लो 400 420 ग्राम की रेंज में है, तो आप एक केज में ही डालें। अगर बॉडी वेट में वेरिएशन ज्यादा है तो बड़ा बर्ड बड़े में जाएगा, छोटा छोटे में जाएगा, और बीच वाला बॉडी वेट उनके आजू बाजू होंगे तो वो बर्ड साथ होंगे, तो एक दूसरे से ज्यादा फीड नहीं खाएंगे। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिसका पिकिंग बहुत फास्ट होता है, अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा पिक कर रहा है, फास्ट कर रहा है, उसको आप सेपरेट कीजिए, उसका वेट तो बढ़ेगा ही, तो उसको उस जैसे बर्ड्स के साथ रखिए, ठीक है। और स्पेस के ऊपर खास ध्यान रखिए। यूजुअली क्या होता है, मैं ये देखता हूँ शेड में, जैसे फीड डालते हैं, फीड के टाइम मालिक को जरूर जरूर होना चाहिए भाई, फीड के टाइम आप रेगुलर नहीं, कभी कभी जाके देखो जब फीड डल रहा है, और खासकर ग्रोइंग स्टेज में, उसमें 5 बर्ड उसने डाल रखे हैं, तो क्या होता है 4 बर्ड्स आगे आगे आ जाते हैं, एक बर्ड पीछे रह जाता है, और वो उसको है ना आने ही नहीं देते, वो कई दिन उसको फीड नहीं लेने देते, और थोड़े टाइम के बाद वही बर्ड्स हड़का हो जाता है, उसी में इंटू सुसेप्शन के उसकी आंतें बाहर आ जाती है, और आप लोग कहते हैं कि भाई ये पहले तो, आज से 3 4 साल पहले तो बहुत प्रचार हुआ इसका,
वो कहते हैं ये 4:30 की प्रॉब्लम है, 4:30 की प्रॉब्लम है। फिर हमने इसको ध्यान से समझा बात को, ये बात क्या है। तो जब सारी बात को समझा, फिर लोगों को हमने अवेयर करना स्टार्ट किया और हमने इस चीज से मुक्त हो गए। तो जो लोग बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो हम इस पे कंट्रोल करते हैं। तो उस पे इंटोसिसेप्शन पे मेरा अलग से, इसी के अंदर एक अलग से वो मैंने किया हुआ है कवरेज, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमें स्पेस के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड ओवर फीडिंग ड्यूरिंग ब्रूडिंग। हम क्या करते हैं, ब्रूडिंग के ऊपर तो हम ध्यान नहीं देते, खुली फीड देखते हैं। अरे भाई ऐसे नहीं, आपका फीड जा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए मेरा फीड कितना खाया है आज। डेली बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए आपके लेबर को, सुपरवाइजर को। और अगर आप पेन लोगे तो आप, आपका लेबर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उनको आपको एक ट्रेनिंग देनी है, एक डायरेक्शन देनी है। आपको ये बतानी है कि भैया आपको डेली कितना फीड खाया। कोई कहता है कैसे कैलकुलेट करें, भैया डीप लीटर में भी कैलकुलेट होता है, सारों में। सिर्फ आप पेन लेना शुरू करें, आपको सारी बातें समझ आएगी। आप सिर्फ ये कहोगे भैया ये करना है, कॉमन सेंस यूज करो, कोई डॉक्टरी की जरूरत नहीं है। डेली कितना फीड खाया इस बात का हमें शुरू में पता होना चाहिए। मैंने बताया 12 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 दिन के बाद ये एकदम से बढ़ना शुरू होता है। तो हमें रात को लाइट वहां नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड ओवर फीडिंग ड्यूरिंग ब्रूडिंग पीरियड एंड स्टारवेशन ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड। हम क्या करते हैं, यूजुअली क्या प्रैक्टिस चलती है फील्ड में, ध्यान ही नहीं देते। ध्यान ना देने से क्या करता है, उसका जो फीड इनटेक है 23, 24, 25 दिन पे वो चला जाता है भैया 55-60 ग्राम। और फिर आप देखते हो एकदम से कॉपी कि यार ये इतना वजन बढ़ गया एकदम से, और वो फीड एकदम से कहाँ लेके आता है 30-35 ग्राम पे। भैया ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। अगर 12 दिन के बाद ही आप इसको शुरू कर देंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके प्रोलैप्स के केसेस भी नहीं आएंगे। अब रॉन्ग प्रैक्टिस क्या है, जो फील्ड में लोअर फीड टू हायर ग्रेड्स, उन्होंने देखा जिसका वजन बढ़ गया है, ज्यादा हो गया, उसको कम फीड देंगे, और जिसका वजन कम है उसको एकदम से बहुत ज्यादा देंगे, ठीक है, या फीड को 2-3 सप्ताह के लिए रोक लेंगे। भैया इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। इससे सबसे बड़ा तरीका है कि आप शुरू में ही ध्यान दें। जो शुरू के 3-4 सप्ताह है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। 4 सप्ताह तक अगर आपने बढ़िया ध्यान दे दिया तो आपकी प्रॉब्लम मिनिमम रहेगी। उसके बाद ये फीडिंग मैनेजमेंट है आपकी, प्रोडक्शन के टाइम, ये इसको थोड़ा सा और आप समझो। जैसे 5% प्रोडक्शन है, 125 ग्राम फीड है, फिर उसके बाद 10% है, फिर 15% है, ठीक है। इसमें अलग अलग ए बी सी अलग अलग है। आप एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप फीड इंक्रीज करें तो आपको 4 ग्राम से कम फीड इंक्रीज नहीं करना। जहां जहां लोग 1-2 ग्राम फीड इंक्रीज करते हैं, कोई लोग हैं आज 1 2 ग्राम कर दिया, कल 2 ग्राम कर दिया, इससे पीक नहीं लेगा बढ़ आपका। आप सप्ताह में जब आपकी प्रोडक्शन स्पीड से बढ़ रही है, आप सप्ताह में 2 बार बढ़ाएं, सप्ताह में 3 बार बढ़ाएं, लेकिन जो आपको बढ़ाना है वो फीड 3 से 4 ग्राम डेफिनेटली बढ़ा के दें। इसमें सिर्फ ये बात समझाने की है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर अगर हमारा फीड, जैसे स्पीड से हम फीड बढ़ाते हैं, स्पीड से लाइट बढ़ाते हैं, तो मैंने ये देखा है भैया 10 चूजे डेफिनेटली, 10 चूजे 10 अंडे, सॉरी 10-12 अंडे उस मुर्गी से कम आएंगे आपको। डबल योक बढ़ जाएगा, मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको एकदम से बहुत लाइट नहीं देनी और एकदम से आपको बहुत फीड नहीं बढ़ानी, ठीक है। आपको फीड बढ़ाना है, सप्ताह में बढ़ाना, तो 2 बार बढ़ाइए, 3 बार बढ़ाइए, 3-3, 4-4 ग्राम करके बढ़ाइए, लेकिन इससे कम से कम फीड ना बढ़ाइए। और रोज फीड बढ़ाने के बजाय आप 2 दिन के बाद बढ़ाइए जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है। अब आप देखो एक और बात, ये सारा काम मैंने 2015 में 14 में किया, वैसे इसको आप ध्यान से समझो। मैं फार्मों पे जाता, मैं देखता लोगों के पास हैचिंग एट परसेंटेज कम है, और उनके पास क्या है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, ब्रेकेज बढ़ रही है। तो मैं जाके देखता, तो मैं देखता भी, मैं पूछता भी, आप बताओ डीसीपी क्या यूज कर रहे हो। पहले मैं डीसीपी का सोर्स देखता, ठीक है, फिर उसके बाद मैं पूछता भाई मार्बल पाउडर कैसा दे रहे हो, चिप्स कितना दे रहे हो,
फिर उसके बाद वो भी मेरे को लगता ठीक है ये बात, फिर मैं उसको कहता कि आप ट्रेस मिनरल कौन सा यूज कर रहे हो। मेरे कुछ भाई हैं जो सुन रहे हैं, उस समय तो उनको बहुत बुरा लगता था, डॉक्टर साहब हमसे इतनी बातें करते हैं, इतनी कमियां निकालते हैं। मेरा काम ये है भैया, जो गलतियां हो रही है उसको मेरा कोई खुशी नहीं है इस बात में। मेरे को ये देखना है कि भी क्या ऐसी चीज है जो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तरीका कोई हो सकता है मेरी भाषा अच्छी ना हो सकता है मेरा एटीट्यूड अच्छा ना हो, लेकिन मेरी अप्रोच सिर्फ आप लोगों के अच्छे के लिए है। तो इस पे आपको ध्यान किया, मैंने फिर ध्यान किया, पहले मैंने ये बात खुद समझी कि भी जो ट्रेस मिनरल चाहिए ब्रीडर को, मेरे बर्ड को जो ट्रेस मिनरल चाहिए उसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। तो उसकी कंपोजिशन होनी चाहिए मैग्नीज है 100 मिलीग्राम की डोज हो जो 1 किलो फीड में जाए, जिंक है 100, आयरन 110, कॉपर 20, आयोडीन 2.5 और सेलेनियम 0.5। अब देखो भैया, जो मेरे को समझ आया मेरी क्या दिक्कत थी, मुझे क्या, मैं जाके देखता लोग ट्रेस मिनरल यूज कर रहे हैं, तो मैंने उनकी कंपोजिशन मिलाई तो किसी में मैग्नीज का लेवल कुछ है, किसी में जिंक का कुछ है, तो दोनों ही को मैंने देखा कि यार ये तो जिंक इसमें किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ये तो मैचिंग नहीं हो रही। तो मैचिंग नहीं हो रही तो मैंने उनको बताया भाई मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, और वो क्या है जो ये ट्रेस मिनरल है ये बहुत सस्ता, और वो जो यूज कर रहे वो इससे 5 गुना रेट का, ठीक है डबल उसको मार पड़ रही, क्योंकि उसकी उसका जो कैलिब्रेशन है वो प्रॉपर नहीं था। ये नहीं कहता चीज खराब थी, उसकी कैलिब्रेशन उसकी जो डोजिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी। जब लोगों के ये काबू नहीं आया तो लोगों ने क्या किया, कुछ इनऑर्गेनिक यूज करना शुरू कर दिया और कुछ ऑर्गेनिक मिला दिया, वो भी सत्यानाश। अरे भाई आप लोगों को विश्वास नहीं है, जो आपको समझा रहा है उसको भी नहीं पता, आप लोग कर रहे हैं आपका पैसा वेस्ट जा रहा है। तो क्या है, आप ऑर्गेनिक यूज कीजिए या इनऑर्गेनिक यूज करिए, उसकी प्रॉपर डोज हो, उसकी प्रॉपर क्वालिटी हो, और सबसे बड़ी बात यह है उसकी मैचिंग जो बर्ड्स को चाहिए। आपको कोई ब्रांड नहीं देखना कि ये अमेरिका का है, ठीक है या जर्मनी का है या किसी भी देश का है, या ये फलाना बड़ा ब्रीडर यूज कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है आपके बर्ड की क्या जरूरत है, आपको कॉस्ट देखना है, बर्ड की जरूरत देखनी है। अगर दोनों चीजें आपकी मैच हो रही है तो आपको किसकी सुननी है भैया, फिर उसके बाद सिर्फ मिक्सिंग का ही काम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर सिलेक्शन कीजिए और हमारी कंपनी में TMBB प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, डोज के हिसाब से है, तो आप उसको करोगे आपको ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है ट्रेस मिनरल्स की वो पैसिज है, जैसे एंट्राइटिस अगर होगी तो एंट्राइटिस में क्या होगा कि उसका कॉन्टेक्ट कम होगा और वो बाहर ज्यादा निकल जाएगा, तो ये जरूरी है कि आप एंट्राइटिस के ऊपर कॉन्स्टेंटली ध्यान रखें। जब भी आपके अंडे का कलर थोड़ा सफेदी पे आए तो आप सबसे पहले लूज ड्रॉपिंग्स की तरफ जाओ, आपको लगता है लूज ड्रॉपिंग्स नहीं है तो फिर आप जाओ कि DCP की क्वालिटी क्या है, अगर DCP आपको नहीं तो MCP यूज कीजिए, उत्तरा कंपनी बहुत अच्छा यूज कर रही है, आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए ट्रेस मिनरल कौन सा है, फिर आपका फास्फोरस का लेवल है, अब फास्फोरस भी लेवल आपको कैसा जा रहा है, प्रॉपरली जा रहा है नहीं, तो हमें क्या क्या देखना होता है, हमें देखना कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, जिंक कितना है, मैग्नीज कितना है, आपको इन 4 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब फिर उसके बाद हमने और स्टडी किया, ठीक है। ये मैंने ऐसे स्टडी नहीं किया भैया, ये मैंने जब स्टडी किया जब मेरे फार्मर्स को प्रॉब्लम आई तो मैं उनके जाके विटामिन है उसको जाके मैं देखता, भाई रैपर दिखाओ तुम्हारा, फिर मैं अपनी किताब से मैच करता, मैं तो बच्चों की तरह सीखता था, उन्हीं से सीखता था, उन्हीं को बताता था। तो उन लोगों को मैंने देखा भी विटामिन ए की कितनी रिक्वायरमेंट है, मैंने देखा 15,000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, तो मैंने देखा 15,000, ठीक है। अब विटामिन D3, ठीक है, अब D3 का देखो भैया, D3 का ध्यान से सुनो, 430 को इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है मेरे हिसाब से, ये कम से कम आपको 25% बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। आप 5,000 इसका मिनिमम विटामिन D3 आप इसको यूज कीजिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा लोचा था वो लोचा ये था बायोटीन के ऊपर, बायोटीन महंगा है, तो बायोटीन में क्या करते हैं, जो बायोटीन का लेवल है मुझे चाहिए 0.25,
तो यूजुअली बायोटिन के लेवल्स कम होते थे, ठीक है? और बायोटिन्स के लेवल कम होंगे तो आपकी एचिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह विटामिन ई के लेवल्स कम होते थे, ठीक है? तो आपको इन सारी चीजों पे, हम जो आपको किताबें देते हैं उनके ऊपर सारा लिखा हुआ है, सारी चीजें हैं। जब भी आप फ्री हैं तो आप ध्यान से उनको पढ़ो। आपने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, आपने करोड़ों रुपए मेरे लिए नहीं लगा रखे, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं अपने परिवार को डेवलप करने के लिए। किसी पे फेथ ना करो, फेथ करो अपनी नॉलेज पे, अपने ज्ञान पे। किसी को कोई कुछ भी कहता है और आप करते हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको लॉस होता है। तो आपका काम है, हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन भैया अपने ऊपर विश्वास कीजिए, बात को समझिए। और इसमें कोई डॉक्टरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं लोगों से नाराज भी हो जाता हूँ, कईयों से मैं चाय भी नहीं पीता। मैं कहता हूँ आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं आपका चाय भी नहीं पीऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। बहुत सारे मेरे फार्मर हैं, वो आपको जानते हैं। ये नहीं है कि मुझे उनसे लगाव है, मुझे उनसे प्यार है, अरे मुझे उनसे सेना, प्यार है, इस वजह से मैं ये नहीं सब नहीं कहता हूँ। तो अगली बार वो क्या करते हैं, सेना, जो ध्यान रखते हैं, ये बात बताई। और मैं तो सिर्फ एजुकेशन देता हूँ भैया, इसमें कॉमन सेंस है, कोई डॉक्टरी की जरूरत नहीं है। आप कॉमन सेंस को डेवलप करो, बातों को समझो, और फिर आप अच्छी परफॉर्मेंस लेंगे। अब फीड फीड विड्राल भी है। फीड विड्राल में क्या होता है कि जब तक आपका पीक आता है, पीक आने के 1 सप्ताह के बाद, आप ये देखो, दो इसमें प्रोसीजर हो सकते हैं कि आप 1 1 ग्राम अल्टरनेट डे पे कर सकते हो, अल्टरनेट वीक पे कर सकते हो, या 2 2 ग्राम 1 सप्ताह छोड़ के कर सकते हो, 2 सप्ताह छोड़ के ऐसे। तो आप इसको, जैसे मैंने फ्लोक मैन्यूल्स में, जो फ्लोक रिकॉर्ड बुक है उसमें वो सारा का सारा डाल रखा है, उसके सामने फीड का लिखा हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, समझोगे, वो अपने आप में डॉक्टर है, आपका कंप्लीट डॉक्टर है। उसमें ये लिख रखा है कि बॉडी वेट आपका कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड बॉडी वेट है। आप वीकली बॉडी वेट करोगे तो आप उसको देख लोगे, अंडे का वजन उसमें डाला हुआ है। अगर उसका मैच नहीं करता तो आप हमसे बात कीजिए, ये मैच नहीं कर रहा, अंडे का वजन ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको अंडे कम मिलेंगे। कोशिश करो ना उसके आजू बाजू ही रहे, तो हम देखेंगे कि अंडे का वजन ज्यादा है तो उसका कारण क्या है। उसका कारण बेसिकली क्या, प्रोटीन ज्यादा दे रहे हैं, मिथ्योनिन ज्यादा दे रहे हैं, या लिनोलिक एसिड ज्यादा दे रहे हैं, या फीड ज्यादा जा रहा है। हम कोई भी कारण देखेंगे, और या प्रोडक्शन कम है तो हम आपको एनालिसिस करके बता देंगे। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो डॉक्टर बता सकता है, कॉमन सेंस है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी बता सकता है। तो फीड विड्राल के ऊपर आपको ध्यान देना है, अदरवाइज बॉडी बॉडी वेट ज्यादा हो जाते हैं। और हम एक लेक्चर अलग से कवर करेंगे कि पोस्ट पीक प्रोडक्शन को कैसे सस्टेन करें, क्योंकि तो जो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पीक ले लेते हैं लोग, लेकिन पोस्ट पीक, पीक के बाद आगे कैसे मैनेज करना है। वहां डिप्लीशन ज्यादा होती है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, बीमारियां आती है, अंडा कम होता है, अंडे का साइज बढ़ता है। तो उसको मैं, जब भी मेरे को लगेगा मैं ठीक से महसूस कर रहा हूँ, समय मेरे पास होगा, वो मैं प्रॉपर बनाऊंगा, और बना के उसके बारे में भी आपको एजुकेट करूंगा। लाइटिंग प्रोग्राम है, तो लाइटिंग के ऊपर भी मैंने बताया कि शुरू के 3 दिन है उस पर आप लक्स ज्यादा दीजिए, और जो ब्लैक कर्टन्स हैं आप उनका यूज कीजिए। जब तक आप उसको लाइट ना दें, तो मैक्सिमम लोग ब्लैक कर्टन्स यूज कर रहे हैं। और इसमें दो थंब रूल और हैं कि जो फ्लो का आपका सर्दियों में आने के प्रोडक्शन पे, जो फ्लो का आपका सर्दियों में आएगा प्रोडक्शन पे, उसके लिए देखो क्या जरूरी है। उसके लिए जरूरी है आपकी लाइट है वो जल्दी हो, 1 सप्ताह पहले हो। उसके लिए हम कैसे करेंगे, क्या थंब रूल है? नंबर एक बात, 2200 ग्राम बॉडी वेट होना चाहिए। कितना बॉडी वेट होना चाहिए? 2200 ग्राम मिनिमम बॉडी वेट। यूनिफॉर्मिटी 85%। अगर 85% यूनिफॉर्मिटी है और बॉडी वेट 2200 ग्राम है, तो हम 141 दिन पे सीधी लाइट दे सकते हैं, 2 या 3 घंटे का सीधा जंप दे सकते हैं। जो 15% आपके चिक्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो अंडर वेट हैं, आप उनकी एक सेपरेट लाइन बनाइए और उसको लाइट से जब तक एक्सपोज ना कीजिए जब तक उसका बॉडी वेट प्रॉपरली ना आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2200 ग्राम बॉडी वेट, ठीक है, और मिनिमम 20 वीक, 141 दिन पर स्टार्ट कीजिए। और उसके साथ क्या है कि जो आपको लाइट का झटका देना है,
वो सुबह के टाइम देना है, किस टाइम देना है, सुबह के टाइम, और मिनिमम 2 घंटे का। और अगर आपका सर्दी का पीरियड ज्यादा है तो आप उसको 3 घंटे का दें, क्योंकि जो फोटो पीरियड होता है वो 14 घंटे जरूरी है। आप दिन की लेंथ देखें कि दिन की लेंथ कितनी है, दिन की लेंथ अगर 12 घंटे है तो 2 घंटे दीजिए, दिन की लेंथ अगर आपको लगता है कि 11 घंटे है 3 दीजिए, और अगर लगता है कि वो 10 ही घंटे का दिन रह रहा है, कई बार ऐसे भी होता है, बहुत छोटे दिन होते हैं, डार्क भी होता है, तो आप उसके अंदर क्या कीजिए, आप 14 घंटे लाइट करके सुबह 4 घंटे का दीजिए, और अपना टाइम फिक्स कीजिए कि मेरी लाइट इस टाइम से इस टाइम जाएगी। और दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, जो 4:30 है उसको थोड़ा लाइट ज्यादा चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा कोशिश करो कि आप 80 से 120 तक आप उसको रखें, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, आप इसको स्पेशल इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। तो मुझे लगता है लाइट वाला चैप्टर भी हमारा कवर हो गया। फिर भी किसी भाई को, हाँ एक बात और मैं भूल गया, जो जो शेड्स हैं, जो चौड़े हैं, और जो बीच की लाइन है, तो बीच की लाइन में हमें क्या करना चाहिए, निप्पल लाइंस पे दोनों साइड पे हमें एक एक बल्ब, जैसे आजकल ये हम जो एलईडी बल्ब लगाते हैं 10-10 फीट पे हम लगाएं, एक साइड पहले एक लगाया, फिर अगले उसी लाइन में 10 फीट पे लगाया, तो जो उससे अपोजिट लाइन है उन दोनों के बीच में एक बल्ब लगाए, तो ये जिग जैग वो आपका हो जाए, और इससे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट होगा, और लक्स मीटर से आप इसको माप सकें। टाइम टू टाइम आप इसको, ये एक रेगुलर प्रोसेस हो, आपका लेबर है उसको भी लक्स मीटर का पता होना चाहिए, कैसे मापते हैं, कैसे देखते हैं, तो आपको लाइट के ऊपर ध्यान देना है, और जिसका लक्स अगर ठीक होगा तो आप लक्ष्य यूजुअली अच्छे क्या होता है कि कुछ जगह बल्ब खराब हो गए, क्या करते हैं वाला लोग, वो खराब पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई भी डॉक्टर है, मेरे कंसल्टेंट भाई है, मेरे डॉक्टर्स हैं, मेरे कुलिक्स हैं, मैं कहता हूँ जब भी शेड में जाए एक बार लाइट जरूर जुड़वा के देखें, क्योंकि आपका दिन के समय जाना होता है, तो उसमें ये चेक करें फ्यूज बल्ब कितने हैं, और ट्यूबलाइट्स हैं तो ट्यूबलाइट्स को भी देखें, और कोशिश करें येलो लाइट यूज करें, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ग्रोइंग फेज, ये है इनटू सुसेप्शन, इसमें ये स्पेलिंग भी ठीक है, तो इनटू सुसेप्शन के बेसिक 2 रीजन है, एक तो स्पेस का ना मिलना बर्ड्स में, केज में उसको जगह कम मिली, और दूसरा एंट्राइटिस, अगर बर्ड भूखा रहेगा और उसके अंदर एंट्राइटिस होगी, वो आगे मैं सारा इसका डिटेल करूंगा, ठीक है, और एंट्राइटिस के क्या रीजन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, कि सबसे पहले ई कोलाई, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है कंपाइलोबैक्टर, चौथा है आपका क्लोस्ट्रीडिया, और पांचवा है आपका कोक्सीडिया। तो हमें ये चाहिए 24 से 28 दिन पे, चाहे केज ब्रूडिंग है वहां हम कोक्सी का ट्रीटमेंट दें, और कोक्सी के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है आप खाली एम्प्रोलियम यूज ना करें, एम्प्रोलियम के साथ आप सल्फा क्विनोक्सालीन आता है, जो कॉम्बिनेशन में आता है एम्प्रोलियम प्लस का सल्फा क्विनोक्सालीन, आप उस साल्ट को यूज कीजिए 5 दिन 24 घंटे पानी में, अगर आप अर्ली स्टेज पे ये करोगे तो आपका बर्ड्स में प्रॉब्लम मिनिमम आएगी 24 से 28 दिन। मैंने अपनी फ्लोक रिकॉर्ड बुक के अंदर ये सामने डाला हुआ है, और फ्लोक रिकॉर्ड बुक को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी फार्मर भाइयों से, आप उसको रेगुलर मेंटेन करें, एक एक फ्लोक रिकॉर्ड जो हम भेजते हैं उसके आप फोटो कॉपी कराओ, आप अपने पास रखो, आप उसका व्हाट्सएप से डेली मैसेज लो, और आप खुद उसको भरो, जब आप खुद भरना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और आप अपने आप में थोड़े दिन में ये महसूस करोगे यार कुछ था ही नहीं, इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं तो खुद ही कर सकता हूं, मैं आपको 100% ये कॉन्फिडेंस देता हूं कि किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है, हमारी किताब में है, लिटरेचर है, हमारी टीम है, आपको बहुत अच्छे से हम सर्व कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को बातें सुननी है, उसके बाद आपको कोई भी रखना है तो सिर्फ आप उससे यह है कि मेरी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे, पीछे की रिकॉर्ड देखो, पीछे की रिकॉर्ड से चेक करो कि मैंने 160 चूजे लिए हैं या 160 अंडे लिए हैं, तो अब मैं और ज्यादा कैसे ले सकता हूँ, 140 लिए मैं और ज्यादा कैसे ले सकता हूँ, आप अपने ऊपर फेथ रखिए और आप सारों को एनालाइज कीजिए और खुद बढ़ना शुरू करिए, आपको ये सारी चीजें आ जाएगी, तो आपकी जो ग्रोइंग फेज में एक इंटोसिसेप्शन की प्रॉब्लम रहती है, दूसरा प्रॉब्लम रहती है अभी होक स्वेलिंग की,
अब देखो होक होक स्वेलिंग क्या होता है, गोड्डों पे सूजन, हमारे हरियाणवी में बोलते हैं गोड्डों पे, गोड्डे सूज गए, गोड्डों पे स्वेलिंग, होक स्वेलिंग। तो इसमें क्या होता है, देखो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब वो छोटे छोटे पॉइंट सुन लो ध्यान से, वो छोटी बात है। जब आप सफाई करते हैं, जब चिक्स डालते हैं, तो चिक्स डालने से पहले आपके केज की बर्निंग होना जरूरी है। यूजुअली क्या होता है कि जो बर्ड्स भारी होते हैं, जिसका वजन ज्यादा होता है, तो वो टांगे इतनी नहीं, उसकी टांग की स्ट्रेंथ नहीं होती, वो गोड्डों के कारण बैठना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वहां इकोलाई और स्टेप के इंफेक्शन होते हैं केजेस में, वो उस पर धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू कर जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, होक पे स्वेलिंग आ जाती है, जनरली ये होता है। दूसरा रीजन है एमएस का, माइकोप्लाज्मा का, ये रेयर केसेस हैं, ये ऐसे नहीं होते। तो ज्यादातर केसेस जो हमने स्टडी किए, इन्वेस्टिगेट किए, वो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन और इकोलाई इन्फेक्शन थे। और इसके लिए जरूरी है कि आपके बर्ड्स के बॉडी वेट ज्यादा ना हो, पहली कंडीशन। दूसरा ये है कि जब आप चिक्स केजेस में डालें, तो उससे पहले आपके केजेस की बर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। स्प्रे के अलावा बर्निंग अगर होगी तो ये केसेस, मैंने कई जगह ये प्रैक्टिस करवाई तो मैंने देखा टाइम के साथ ही मिनिमम हुए। जैसे मान लो किसी का इस फ्लॉक में आए हैं, तो मैंने बताया भाई अगले फ्लॉक में यही आप ध्यान रखेंगे, कम आएंगे, तो मैंने देखा ये केसेस कम हो गए, ठीक है। कुछ लोग इसको कहते हैं भाई ब्रीड की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों अगर ब्रीड की प्रॉब्लम है तो सारी जगह मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए ये कोई कहेगा ये रियो की प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपने मेरी सिर्फ दो बातें सुनी तो ये आपकी प्रॉब्लम मिनिमम रहेगी। आपको अपने बर्ड्स के बॉडी वेट नहीं बढ़ने देने, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप इंफेक्शन। तो ग्रोइंग में क्या होता है कि जैसे हम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीड है, अगर फीड उसका प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या होता है, जैसे हाई पीकिंग बर्ड्स है, स्पीड से खाएगा और वो कोई पानी नहीं पी रहा, वो पानी की तरफ नहीं जाएगा और बिल्कुल अब उसको क्रोप को भरता जाएगा, और ग्रेन के साइज बड़े हैं थोड़े, तो वो सारा का सारा पैक हो जाएगा, ठीक है। और उसके कारण क्या है कि उसमें क्रोप इंफेक्शन के केसेस होंगे, डेथ होगी इमिजिएटली, और इसका बेसिक रीजन है इनएडिक्वेट स्पेस एंड पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीड। ये एक बेसिक रीजन है जो मैं फील्ड में, अब कम केसेस आते हैं, पहले मैंने बहुत देखा, लोगों को अवेयर किया कि भाई बात को समझो, और इसका ये रीजन है। और ग्रोइंग फेज में ब्लैक कर्टन्स आप यूज करें, ठीक है, टाइम से यूज करें, तो उससे आपकी प्रोडक्शन है वो हायर साइड पे रहेगी, पीक जाएगी, आप इनके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखें। अब देखो इसमें क्या है, जो सेंसिटिव फेज है, जो ब्रीडिंग के लिए सबसे सेंसिटिव फेज है, आप उस बात को समझ लो। अगर आपने मेरी ये बात समझ ली, एक इंट्रोसेप्शन की बात और एक ये बात, अगर आपने ये बात समझ ली, तो मैं सोचूंगा कि भाई मेरा लेक्चर देना सफल हुआ। अगर 16 वीक से लेके 23 वीक तक क्या होता है, एक्सीलेटेड वेट गेन। देखो वीकली गेट वेट गेन कैसे हो रहा है, 16 वीक पे 90 ग्राम, ठीक है, 17 पे 110, फिर 130, फिर 150, फिर 170, फिर 180, ये सारा का सारा एक्सीलेटेड वेट गेन। अगर एक्सीलेटेड वेट गेन होगा तो ही आपके बर्ड्स में सेक्सुअल मेच्योरिटी आएगी। गलती कहाँ होती है, गलती ये होती है कि सुपरवाइजर, मैनेजर, लेबर, जो भी आपके फार्म पे काम करते हैं, वो 15 वीक पे, 14 वीक पे, 16 वीक पे वजन करके देखते हैं, और वो देखते हैं कोई बर्ड 2400 ग्राम का चला गया, कोई बर्ड 2600 ग्राम का चला गया, तो वो और वो फिर मिलाते हैं, मैच करते हैं कि यहाँ तो 1600 1700 ग्राम है स्टैंडर्ड, तो वो क्या करते हैं, हो सकता है ये आपकी नॉलेज में ही ना हो चीज, वो क्या करते हैं, जो बर्ड्स 2400 2500 ग्राम है उसको फीड कम देते हैं। जैसे मान लो 90 ग्राम देना है, 90 ग्राम की बजाय उसको 80 ग्राम पे रख लेंगे,
और आप बात को ध्यान से समझो, जो बर्ड आपका 2400-2600 ग्राम का था वो 90 ग्राम फीड नहीं ले रहा था। जो आपने फीड केज में डाली, उसके सामने फीडर्स में डाली, वो दूसरे की फीड ज्यादा खाता था, या तो वो स्पीड से फीड खाता था, या वो क्या है कि दूसरा बर्ड उसको खाने कम देता था, समझ गए? तो इसके कारण क्या है, छोटा बड़ा बर्ड रहेगा, जहां नॉन यूनिफॉर्म फ्लॉक्स होंगे वहां इस तरह की सिचुएशन आएगी। अगर हम इस बात पे शुरू में ध्यान देंगे तो वजन तो बढ़ेंगे, लेकिन वो वजन इस तरह के नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो बहुत कम बर्ड्स होंगे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि बॉडी वेट्स, जो हायर बॉडी वेट्स हैं, उनको फीड ज्यादा चाहिए, उसमें उल्टा काम नहीं करना। अगर हम उसकी फीड कम कर देंगे तो वो बर्ड सेक्सुअल मेच्योरिटी पे नहीं आएंगे। और आज से 2-3-4 साल पहले ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम थी, जब लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी, किसी को नहीं पता था ये चीजें, तब वो क्या करते थे, कहते ब्रीड खराब है और कोई कुछ नहीं, ब्रीड खराब है, उसके भी प्रोडक्शन नहीं है, उसके भी नहीं है, उसके भी नहीं है, और क्या है, 10% फ्लॉक प्रोडक्शन पे नहीं आया, 8% नहीं आया। तो ऐसे बर्ड, वो कौन से बर्ड थे, वो बर्ड थे जिनको आपने फीड कम दिया 16 वीक के बाद। आप इस बात को ध्यान से समझो, कई बार मैंने ये देखा, ओनर की नॉलेज में ही नहीं आती ये बात, ओनर को पता ही नहीं। तो मैं धीरे धीरे, क्या है, मैं तो लेबर से बात करता हूँ, लेबर वाले मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई कैसे किया, कैसे कैसे किया, वो धीरे धीरे बताते हैं। पहले मैं उनकी सारी बात सुनता हूँ कि यार अगर वेट इतना ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल वो कहते हैं कि हमें फीड ऐसे कर देना चाहिए, मैं उनकी बात सुनता हूँ, फिर उनकी बात सुन के फिर उनके साथ बैठता हूँ, बातें करके उनको समझाता हूँ भाई ये गलत प्रैक्टिस है, फिर वो कहते हैं नहीं हमें तो ऐसे बताया गया। कई लोग मेरे से बहुत ज्यादा मेरे से नाराज हो जाते हैं, मैंने कहा भाई नाराज ना हो, आपको नुकसान होगा, और बेसिक रीजन ये है, नहीं, ये ब्रीड की प्रॉब्लम है, ऐसे भी नाराज हो जाते हैं, ये नहीं है भैया, ये टेक्निकल बात है। अगर आपके हायर वेट गेन होंगे, एक्सीलेटेड वेट गेन होंगे 16 से 27 वीक, तभी आपके ब्लड प्रोडक्शन में आएंगे। अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गई है, और अगर आप कहो तो हम कंटिन्यू करें, और अगर आप ये कहो कि भी आज इतना ही हम करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं, अभी तक क्योंकि ये लंबे टॉपिक्स हैं, और अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो हमारे माइंड में ज्यादा बैठता चला जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आज हम इतना ही करते हैं, और इससे जो जो हमने बातें करी है उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट मंगलवार को इससे आगे, और ये हम सीरीज में करते चले जाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, बात को समझेंगे, आपको सारा पढ़ा देंगे। डॉक्टर साहब नमस्ते, नमस्ते भैया। विवेक भट्ट बोल रहा था डॉक्टर साहब, नेपाल से। हाँ पाठक साहब कैसे हो? ठीक है सर, हाँ ये बोलिए। हमारे उसमें एक प्रॉब्लम, ये क्रैक क्रैक अंडे का परसेंटेज बहुत हाई है केस रुको 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 में मेरे रुको पास। हाँ बोलिए। मेरे वहाँ क्रैक एग्स के परसेंटेज तकरीबन 11% तक है ओके और ये शट आउट हो ही नहीं पा रहा। ये तकरीबन जब बर्ड्स मेरा 29 हफ्ता का 29 वीक का हुआ था, 29 वीक्स का हुआ था, ओके तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और अभी तक ये प्रॉब्लम है। ओके मैं आपको कारण गिना देता हूँ, आपको कारण गिना देता हूँ भैया, क्योंकि मेरे एक लेक्चर इसी में कवर हो रहा है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपका बर्ड प्रोडक्शन पे आया, क्या मोर्टेलिटी भी स्टार्ट हो रही है, कच्चा अंडा भी आ रहा है, हाँ उसमें थोड़ा कच्चा अंडा भी आ रहा है सर, वीक सेवन मोर्टेलिटी है, भी हुई है, मोर्टेलिटी भी होती है, मोर्टेलिटी भी होती है। हाँ फ्लो कितने साइज का है? स्लो फ्लोक था 5200 का फीमेल का, ओके क्या ये केज में या डीप लीटर में है? केज में है सर, केज में है। कौन सी ब्रीड है? 430 है, 400 है, 500 है? ये अभी 500 है, केज तो केज का साइज था 430 का, लेकिन बर्ड्स ओके उसमें 500 के हैं, ओके केज का साइज क्या है? केज का 400 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है सर। नहीं रिक्वायरमेंट भी बताओ ना भाई कि कितना लंबा अरे कितना चौड़ा, सेट का साइज 18 इंचेस या होगा, केज इतने। का चलो एनीवे अभी मैं आपको अगला बात बताता हूँ, साइज? आपकी मोर्टेलिटी क्या फीड के टाइम होती है? फीड किस टाइम डालते हो? फिर सुबह 4:30 बजे,
4:30 बजे डालते हो तो जो मोर्टेलिटी होती है वो किस टाइम होती है? मोर्टेलिटी अभी दिन में होती है सर, दिन में होती है, रात को कोई मोर्टेलिटी जी नहीं होती। नहीं, रात को भी निकलता है, दिन में भी निकलता है थोड़ा बहुत। तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नंबर सभी मेरा नहीं व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, जी, एक 81 मिनट सर, एट हाँ वन सर, 81 एट 95 8195 94 94 00 डबल जीरो 99 99 दो ठीक है। चार अब छः आपका दस अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या आपके मैट प्रॉपर साइज के हैं? मैट नेट रबड़ के बिल्कुल, हैं? बढ़िया मैट नेट है, ठीक रबड़ के, नेट रबड़ के है है सर, ठीक ब्लैक कलर। है। अब आप बनाते हैं, उससे अगला क्वेश्चन आप बनाते हैं कि फीड में आप डीसीपी कितना डाल रहे हैं? फीड में डीसीपी डीसीपी डाल रहे हैं, 18 एमसीपी डाल रहे हैं, 18 कितना डाल केजी, रहे हैं? 18 किलो सर, 18 किलो आप डीसीपी डाल रहे हैं, डीसीपी की क्वालिटी कैसी है? डीसीपी ये 18% फॉस्फोरस बताया उन्होंने जो उन्होंने बेचने वाले बताया है, हैं। लेकिन आप उसको क्रॉस चेक करवाएं, फास्फोरस कितना है, एक नहीं बात होगी, क्रस्ट ये ठीक है। चेक तो नहीं कराया सर दूसरी बात आप सुनो, जी। आप मार्बल पाउडर कौन सा यूज करते हैं? मार्बल पाउडर एक नेपाल में मिलता है, मार्बल पाउडर करके, गोदावरी ओके, जेलेटिन करके, आप वहां उसका से आता है। कैल्शियम नोट कराओ, और उसमें मैग्नीशियम कितना है, कहीं मैग्नीशियम के लेवल हाई तो नहीं है, ठीक है। अच्छा आप ठीक, उसमें मार्बल पाउडर कितना देते हैं और पिच कितना देते हैं, और मुझे ये बताओ 19 से 23 मिनट के बीच में आपने मार्बल पाउडर कितना दिया, मार्बल पिच कितना दिया, आप वो बात समझाएं मुझे, डीसीपी कितना दिया। 50% मार्बल, 50% चिप्स सर। आप मुझे मुझे दोबारा बताओ, आपने नहीं आपने कैल्शियम कितना 19 से 23 वीक पे जी आपका पत्थर पाउडर कितना था? सर, मैं ये सारे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मेरा फॉर्मूलेशन फीड। ऐसा है भैया, अगर अभी बता दोगे तो सारी इंडस्ट्री सुनेगी, उसमें हाँ सिर्फ मैं हाँ आपको बताऊंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ओके सिर्फ आपकी नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। अगर आपने, मैं आपको अपने से बता रहा हूं, अगर आपने जी मार्बल पाउडर या चिप्स या डीसीपी या किसी भी सोर्स से कैल्शियम का लेवल 1.2% से ज्यादा दिया है, ध्यान से सुनो, जी अगर 19 से 23 वीक में कैल्शियम का लेवल 1.2% से ज्यादा दिया है, तो जब भी आपका प्रोडक्शन पे बर्ड आएगा उसके अंदर कच्चे अंडे की प्रॉब्लम रहेगी, उसके अंदर मोर्टेलिटी रहेगी, आपको सिर्फ ये ध्यान अच्छा देना है, पूरी इंडस्ट्री ये बात सर, ध्यान से सुनने कि 19 से 23 वीक तक कैल्शियम का सोर्स कैल्शियम 1.2% से ज्यादा ना हो। मैं बता दूं फॉर्मुलेशन शॉर्टकट में है बिल्कुल। हाँ बोल दो ना मेरे मक्का, को, हाँ बोलो। हाँ मक्का, मक्का 525 केजी है, ओके ठीक, सोया 46% का 160 किलो, DORB 260 किलो, ओके राइस पॉलिश 20 किलो, ओके DCP 18 किलो, ओके LSP 11 किलो, ओके सॉल्ट 2.5 किलो, 2 पॉइंट 2.5, ओके और इसमें विटामिन प्रीमिक्स DSM का था 1 किलो, DLM 800 ग्राम, लाइसिन पांच सौ ग्राम एक सेकंड, विटामिन प्रीमिक्स 1 किलो जी, DLM और 800 ग्राम, ओके लाइसिन 500 ग्राम, ओके कोलिन क्लोराइड 60% जुबिलेंट का 1 किलो, ओके अल्टेक का बायोप्लेक्स 1 किलो, ओके क्या फाइटेज 100 ग्राम, फाइटेज चीज, फाइटेज फाइटेस 100 ग्राम, 100 ग्राम, ओके बायोबेंटेक्स प्लस 2.5 किलो, 2.5 किलो, ओके बिटेन बिटेन 500 ग्राम, ओके एंटीऑक्सीडेंट 200 ग्राम, ओके डाइक्लोजुरिल 600 ग्राम डाइक्लेजुविल जी। कितना? नहीं ये ग्रोअर का, ग्रोअर का फीड था सर ये।
ये कितने स्टेज पे देते हो? इसको ग्रोअर को देते हैं हम आपने मेरे लोग। को ये कौन सा फार्मूला दिया भैया? मुझे दे 19 से 23 वीक का। अरे ये 19 से 23 का नहीं सर, ये तो वो वाला था, नहीं नहीं 8 से लेकर 19 तक का। अभी अभी और सारे सारे लोग ध्यान से सुनो, ब्रीडर जी मेड डाइक्लेजुरेल यूज नहीं करते। ओके जी डाइक्लेजुरेल ब्रीडर में यूज नहीं करते, आप अपने हाँ दिमाग में बिठा लो। जी सीएमपी ब्रीडर में यूज नहीं करते, मधुरामाइसिन यूज नहीं करते, रोबिनिडिन हाँ हाँ यूज नहीं करते, सिरप यूज करते हैं, डोट डोट यूज करें। अगर डोट अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ भी ना डालें, वो ज्यादा अच्छा है। अब मेरे ओके को भाई अच्छा मेरे से ये पूछे ऐसा क्यों, आप यूं क्यों कह रहे हो? जी सर। उसका भी मैं रीजन बताता हूँ भैया। एक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे ये कोक्सी फैलाता है, इसमें 7 मेन स्पीसीज होती हैं, उस 7ों स्पीसीज के प्रति इम्यूनिटी बनना जरूरी है, और इसकी स्टेजेस जी होती हैं, स्टेज 1 2 3 4 ऐसे। अगर वो सारी स्टेजेस से बर्ड एक्सपोज है, सारी स्पीसीज है, तब जाके उसमें इम्यूनिटी रहेगी। चाहे आपके केज में बर्ड हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपके इन्फेक्शन कोक्सी का चला ही जाता है। इसलिए ये जरूरी अच्छा है कि आप सिर्फ डोट यूज करें। आप कोई भी डोट क्या है, कोक्सी सीडियो कोक्सी डियोस्टेट ड्रग है, और ये जो आप बता रहे हैं डाइक्लेजुरिन, ये कोक्सी सीडल ड्रग है, ये ब्रायलर में यूज करते हैं। पूरी हाँ लेयर हाँ इंडस्ट्री, ब्रीडर इंडस्ट्री, उनको ये चाहिए कि सिर्फ कोक्सी डियोस्टेट ड्रग यूज करें। 6 वीक तक बहुत है, उसके बाद इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आप ओहो मुझे या तो ओहो ग्रोअर का फार्मूला बताएं या फिर आप और लोगों को चांस दें, आप मेरे से ठीक इंडिविजुअल है व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक ठीक है और लोगों को चांस देते हैं सर। फिर भी मैं आपको और कारण बता देता हूँ कि अंडा कच्चा आता है क्यों। अगर आपने 19 से 23 वीक तक कैल्शियम का लेवल 1.2% से ज्यादा दिया है, तब आपकी ये हाँ प्रॉब्लम आएगी। एक कारण आप ये नोट करो। दूसरा कारण जी ये नोट करो, जो विटामिन प्रीमिक्स आपने यूज किया है, क्या वो मेरे विटामिन प्रीमिक्स से मैच हो रहा है? मेरे का मतलब जो आपके बर्ड को चाहिए, क्या उससे बर्ड वो को मैच, चाहिए जी वो बर्ड को चाहिए क्या उससे वो मैच हो रहा है? आप उसके लेवल निकाल लो, 500 का लिटरेचर निकाल लो, आमने सामने रख जी लो और उसको कैलकुलेट करके देख लो। अगर उसके अंदर विटामिन में कहीं उच्चा नीच है तो आप उसको छोड़ के उस विटामिन को यूज करो जो उसमें मैच कर, या उसकी डोज। दो बात, तीसरी बात, आपने ट्रेस मिनरल नहीं बताया मुझे, ट्रेस मिनरल कौन सा यूज कर रहे हो? ट्रेस मिनरल ये बीबी करते हैं ब्रॉयलर ब्रीडर का, ये वेंकीज का। कितना डोज यूज करते हो? ये इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, 1.5 kg ब्रॉयलर वन ब्रीडर, पॉइंट वन फाइव पॉइंट केजी हाँ और ऑर्गेनिक करते हैं ये ऑल्टेक्स का, ऑल्टेक का बायोप्लेक्स करके जो है उसको 1 kg करते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी भैया, आपकी जी। प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक ओहो है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है इस तरह की प्रैक्टिस ना करें, कि कुछ तो आप इनऑर्गेनिक सोर्स यूज करें, कुछ ऑर्गेनिक। ये सारी की सारी मिसमैचिंग हो रही है भैया। जो ओके अंडे की फॉर्मेशन है उसके लिए हमें कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कार्बोनेट चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीज चाहिए। अगर आप हाँ लोग इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे कि 1.5 किलो आपने यूज कर लिया इनऑर्गेनिक, 1 किलो कर लिया हाँ आपने ऑर्गेनिक, तो भैया आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व मैं क्या कोई नहीं कर पाएगा। आप इस तरह की प्रैक्टिस ओहो ना करें, दिस इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस। अब ये आगे समझ सबसे में ये आपको, पाठक साहब, यू आर जी पाठक? सर नो पाठक साहब, भट्टा आप सर मेरे से भट्टा पर्सनली भट्टा मिले हैं क्या भट्टा कभी? क्या भट्टा है मेरा भट्ट जी। हेलो, आप मेरे से कभी मिले भी हैं क्या शायद? नहीं 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 आपका बहुत नाम सुना है सर मैंने, हाँ चल इतना डॉक्टर तो मैं, के पर पास से हैं ब्रीडर। हाँ पर नेपाल वाले भी मेरे से बात करते रहते हैं। ठीक ओके है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भैया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पूरी इंडस्ट्री ने ये सुन लिया। जो TMBV है हाँ हाँ हमारा, वो जी 1 किलो की डोज सफिशियंट है, आपको 1.5 किलो नहीं दो डालने। जो मैंने दो दो आप किलो 2 किलो सर, दो जो किलो का मैंने डोज 2 किलो की डोज है,
वो नहीं जी डालना आपको, उससे ज्यादा नहीं करना, उससे कम हाँ भी नहीं करना। और अब आप मेरी ये स्क्रीन पे देखेंगे तो मुझे ये देखना है कि भाई सॉरी उस पे ये देखना है कि हेलो पाठक साहब जी सर। भाटा आप देखिए, आपको तो चाहिए मैग्नीज 100 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फीड। अगर आपके मैग्नीज के लेवल ज्यादा होंगे, जो आप इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, इससे मिसमैच हो रहा है, उससे कैल्शियम के ओके लेवल बढ़ जाएंगे, विटामिन डी के लेवल बढ़ जाएंगे। इसी तरह जिंक अच्छा अगर आपका इस तरह से मिसमैच होगा, वो किसको इफेक्ट करेगा, कैल्शियम को भी, फास्फोरस को भी, विटामिन डी को भी। अब आपको बात समझ में आ गई? हाँ बहुत आ गई सर, बात तो समझ में आ गई। अब ये फीड फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, अब कैसे किया जाए। आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें से ये ऑर्गेनिक पोर्शन हटा दीजिए और सिर्फ जी इनऑर्गेनिक का 2 किलो यूज कीजिए, ठीक अरे है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी ये नहीं तो मेरा होती, 2 साल हो गया, 2 साल से यही प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया सर इसमें हमें तो। कोई ना पाठक साहब, मेरे को आप बुलाइए, चाय पिलाइए, भट्ट जी, डॉक्टर साहब, भट्ट 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 सुनो तो, भट्ट मैं आपके बॉर्डर तक आता हूँ, गोरखपुर ठीक तक आता हूँ, लोहा घाट तक आता हूँ, समझ गए क्या? मैं सारा उस साइड सारा घूमता फिरता आता हूँ, समझ अच्छा गए? हाँ, तो आपको चिंता नहीं, आप मेरे से टच में रहिए तो आप भी गोरखपुर या जैसे और कोई एरिया जो लखनऊ याद लखनऊ है, मैं उस साइड भी आता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप मेरे से मिल लीजिए, ठीक है? लखनऊ पे हो जाएगा सर लखनऊ पे मुलाकात, हमारा लखनऊ में मीटिंग्स होता रहता है, हम आपको अगली बार बुलाएंगे, लखनऊ मेरा मेरा जाना रहता ठीक है। है। आपका वैक्सीन सेंटर भी है ना लखनऊ में, मेरा मेरी बात हुई है टारगेट है वैक्सीन के लिए। भैया, बारह बारह बंकी और आगे वो सारा बॉर्डर बॉर्डर पे सारा का सारा आपका निकाल रहता है, मैं वहां तक जाता रहता हूँ, ठीक है? और किसी भी और भाई को ठीक कोई ठीक दिक्कत हो तो भी मेरे से बात करवा देना, तो आपकी प्रॉब्लम वैसे दूर से सॉल्व हो जाएगी। अब आपको ये बात समझ में ठीक आई? है दूसरा, जो आपकी फीड फॉर्मुलेशंस हैं, आपने उसमें जी एनर्जी लेवल बहुत कम दिया हुआ है, हाँ आपके फीड में एनर्जी लेवल्स बहुत कम है भैया, इससे आपके जी बर्ड की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हाँ आगे समझ में, आपका बर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ऊपर नहीं आएगा। आ रहा है क्या? ये कप 400 में तो बहुत अच्छा आया था सर, ये 430 में, 500 फाइव को एनर्जी ज्यादा चाहिए भैया, हंड्रेड में तो ये हमारा मतलब कुछ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा मोर्टलिटी भी हो रही है इसमें। समझ में सारा आ जाएगा आपको, बता दिए इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। आप जी ये जो डीएल डाल रहे हैं ना, इसकी डीएल हटा दीजिए, अच्छा आपका बर्ड की परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। और जो मैंने बताया उन चीजों पे ध्यान दीजिए आप, फिर जो टीएमबीबी है वो 2 किलो यूज कीजिए, ठीक है? और आपको फाइटेज की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा हाँ, ये भी ज्यादा आपके ब्रीडर में काम। तीसरा, आपका जो कोलिन क्लोराइड है वो आप कम दे रहे हैं, तो इसका चिक्स के क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, फैट ज्यादा होगा बर्ड में। आपको कोलिन क्लोराइड देना 2 किलो 800 ग्राम, अच्छा 2 किलो 600 ग्राम भैया, 2 किलो 600 ग्राम ठीक है? उसके बाद आप जो नमक दे रहे हैं, आप बायोडेंटॉक्स प्लस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप 2.5 किलो साल्ट दे रहे हैं, आप 2.5 किलो हाँ साल्ट के बजाय साल्ट और कम कीजिए और इसको मीठा सोडा दीजिए। ओके आप इसको इसको साल्ट कम करके 125 ग्राम के करीब ले जाइए, अच्छा 175 ग्राम नमक, 75 ग्राम इसमें डालो सोडियम सल्फेट, और 100 ग्राम डालो इसमें मीठा सोडा। अच्छा अब आगे समझ में, और जो आप हाँ हाँ विटामिन यूज कर रहे हैं, आप विटामिन जो ब्री बी प्लस 3 आता है उसको यूज कीजिए, आता है, मैंने यूज किया है वो, तो उसको आप जब कभी यूज नेपाल में कीजिए। वो अवेलेबल कम हो जाता है ना, थोड़ी तो मुश्किल हो देखो, वो जाती है। हमारी टीम है आपके पास। अब देखो इतने ये विटामिन हैं, अब विटामिन की मैचिंग उससे देखिए, आप जो यूज कर रहे हैं उसकी मैचिंग देखिए, आपको फर्क नजर आएगा। स्पेशल ध्यान आपको तो बायोटिन की तरफ जाना चाहिए, विटामिन डी की तरफ जाना चाहिए,
विटामिन ई की तरफ जाना चाहिए, समझ नबी। गए। अब हम तो खाली मक्का और डीआरबी मिलाएंगे और वेंकी और वाले ना दूसरा मेरे भैया पाठक साहब और आपकी प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ। हमारे पास 5% प्रीमिक्स है, 5% क्या है, वही बात हो प्रीमिक्स है, आप उसको यूज कीजिए ना। वो बात हो रही है उनसे, आपको ये सारे लफड़े खत्म। क्या वो डॉक्टर है ना, वो अपने पुणे में रहते हैं, एक डॉक्टर है वो, उनसे तो आप यूपी या गोरखपुर, गोरखपुर से जो पास है वहां से आप करवा लीजिए ना, ले जाइए या यहाँ से गोरखपुर मिल जाएगा सर। नहीं नहीं ये हमारे तो यही आ जाएगा सीधा ही, सीधा आ जाएगा, तो सीधा एंजॉय। अब आपको समझ आती है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी पाठक साहब। डॉक्टर विश्वास साहब हैं क्या, है ना। चलो अब सर पाठक साहब प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। जी सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, होगी। एक बार आप नंबर रिपीट कर दो ना अपना। 95। जी सर 95 नंबर लिखा है डॉक्टर साहब। 94 स्टार्टिंग में कितना है सर? 95 94 0999 00099 बस यही है। ये इसमें कम हो गया सर, स्टार्टिंग 95 से है। ओ सॉरी 81 आएगा पहले। हाँ सर 81 आएगा पहले। 819594 819594 00 मैं चार्ट में लिख दिया हूँ, आप नोट कर लीजिए आप। अच्छा दूसरा क्या है भैया, मैं हूँ एक डायरेक्शन का आदमी, मेरे को एक ही बात देते हैं, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, मेरी सारी ऊर्जा उस पर लगी हुई है। ठीक है चलो ठीक है सर, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। अब कोई भी दूसरा क्वेश्चन अराइज कीजिए किसी को भी, कोई भी। ठीक ठीक विप्लव जी, विप्लव देव। हेलो हेलो सर। यस सर मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। विप्लव जी कभी भी डॉक्टर साहब का एक वेबिनार नेपाल ब्रीडर्स के लिए भी आप और जीवन मिलके करवा दें, ठीक है ना। यस सर मैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और डॉक्टर रोहिला का मैं नंबर भी ले लिया। विप्लव सर, विप्लव सर से रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए ना विप्लव सर जी। हाँ सुन रहे हैं। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। आप डॉक्टर साहब को लखनऊ तक आने के लिए कहिए, लखनऊ से हम रिसीव करेंगे डॉक्टर साहब को। अरे मैं तो आता रहता हूँ लखनऊ। ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। डॉक्टर साहब को तो हम गोरखपुर ले आएंगे। ठीक ठीक ओके। सौंतली बॉर्डर भी। अभी ऐसे ही देखो, ऐसे ही एक एक प्रॉब्लम लोग पूछे उससे क्या पूरे इंडस्ट्री को फायदा होगा। हेलो हाँ, और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? डॉक्टर साहब अपना खत्म हो गया क्या लेक्चर? मेरा लेक्चर खत्म हो गया। मैं ऐसा है, आप लोग चाहें तो मैं इनकी सेक्शन पे बात कर सकता हूँ। हेलो कैन यू हियर मी? मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया तो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जनरल बात। ओके ओके सर। शशि somebody asking question। यस सर सर। हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ प्रकाश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हाँ प्रकाश चंद्र फुलारा बोल रहा था सर, फुलारा हैचरीज एंड ब्रीडिंग फार्म से। हाँ फुलारा सर क्या हाल है? नमस्कार सर, बढ़िया सर। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बढ़िया लेक्चर लग रहा था, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था। खैर मैं नेक्स्ट। अरे आपका प्यार है ना, आप बात करते रहते हो, आपका प्रेम है ये। अरे सर नहीं फुलारा साहब आपका प्रेम है और आपने बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिया है। फुलारा साहब अगर आपको सच बताएं तो आप इनसे पूछो इनने कितना प्रोडक्शन लिया है, बिल्कुल सच पूछो इनसे। कोई सोच भी नहीं, बढ़िया प्रोडक्शन है, जबकि मेरा सेकंड फ्लॉक है ये। और डॉक्टर चौहान आते हैं वेंकी से, अपने रेगुलर विजिट करते हैं वो। और जितेंद्र चौहान बढ़िया। हाँ जी, तो काफी बढ़िया प्रोडक्शन आ रहा है। और सर ये वाटर का इश्यूज है हमारे यहाँ, जो कि नेचुरल इश्यू है एक्चुअली, काफी जगह अलग अलग रिसोर्सेज रहते हैं वाटर के,
हाँ जी। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है सर, उसमें मुझे कुछ इश्यू लगता है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि इसको एक बार आप चेक कराइए। अच्छा, तो कोई सर, कोई एक बेसिक अपना ये है कोई, जहां पर हम इसको, क्योंकि अभी तक मैंने पंतनगर में चेक कराया था, जो अपनी यूनिवर्सिटी है हमारे सबसे नजदीक में, तो वहां पर उनके पास उतनी फैसिलिटीज है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो सर कोई ऐसी जगह बताएंगे जहां से हम वाटर का। आपको क्या है, जो पब्लिक हेल्थ वाले है ना, हाँ हाँ सर, पब्लिक हेल्थ की लैब होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लैब है, आप वुमन पब्लिक हेल्थ उनके पास जाइए, वो आपको जो जैसे मैंने टेबल दिखाई थी ना, लेकिन आपके यहाँ प्रॉब्लम पानी की, आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बर्ड में नहीं है। प्रॉब्लम होती तो इतनी अच्छी प्रोडक्शन आप नहीं ले सकते। हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए अपनी एनर्जी इस बात पे ना लगा के एक्सपेंशन पे लगाओ, थोड़ा और आगे बढ़ो, ठीक है, उसको उसको छोड़ दो, वो आपका टॉपिक नहीं है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, और बताओ। बस बाकी ठीक है सर, बाकी तो सब सही चल रहा है। थैंक यू पुलवारा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? सर डॉक्टर साहब, हाँ जी, हम लोग कुछ चार्ट पे कुछ क्वेश्चन डाला हुआ था उन्होंने, हाँ बोलते जाओ। हाँ, मुकेश कुमार है, उन्होंने लिखा सर, हाउ टू चेक O2 ऑक्सीजन लेवल इन ब्रूडिंग। अरे बात सुनो भैया मेरे, ये मेरे पास ऑक्सीजन मीटर है, और मेरे एक ब्रीडर के पास मैं गया, ये सर्दियों का टाइम था, और मैंने देखा उसने सारे दिन भी पर्दे इतने टाइट कर रखे, और बर्ड ऐसे हाफ रहा, मैंने देखा ये क्या है। तो आप ये सोचो, उसके ऑक्सीजन के लेवल बहुत कम थे, मेरे गाड़ी में हमेशा ऑक्सीजन मीटर रहता है, मैं गया उसको जाके मैंने ऑक्सीजन मीटर से चेक किया, 14-15 हजार रुपए का आता है भैया वो, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन चीजों पे होनी चाहिए, सभी ब्रीडर्स के पास ऑक्सीजन मीटर होना चाहिए, ताकि वो सर्दियों में ब्रूडिंग में माप सके ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का 1% भी डाउन होता है आपके इंक्यूबेटर्स में, तो आपकी 5% चली जाती है, 1% ऑक्सीजन का डाउन होने से 5% एचएबिलिटी गई। इसलिए ऑक्सीमीटर 15,000 का 16,000 की इन्वेस्टमेंट है, सभी को चाहिए। दूसरा, सभी को लक्स मीटर चाहिए, सभी को एनीमो मीटर चाहिए, सभी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए चाहिए। तो ये चार और जो पांच चीजें मैंने बताई, सभी लोगों के पास, सभी ब्रीडिंग यूनिट में होने चाहिए, सभी के पास सीजर होनी चाहिए। जैसे हम जाते हैं, कैंची नहीं होती किसी के पास, बताओ क्या करें। अगर मैं मेरी कैंची लेके जाता हूँ भैया, मैं तो 100 जगह चेक करता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, यार कैंची भी नहीं है तुम्हारे पास। तो सभी लोगों की ड्यूटी है कि अपने पास सीजर रखें, दो दो पेयर रखें, फालतू रखें। दूसरी बात, पोस्टमार्टम के लिए एक सेपरेट जगह हो, उसका भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और ये जो चीजें मैंने बताई, नोट करो आप, लक्स मीटर, ठीक है, आपके मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पा रहा, कहीं आता है कहीं नहीं आता, ठीक है। लक्स मीटर चाहिए, एनीमो मीटर चाहिए जो एयर की स्पीड को देख सके। तीसरा, ऑक्सीजन मीटर चाहिए। चौथा, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए चाहिए, 4 मीटर्स की आपको जरूरत है। और पांचवा, आपको पानी के लिए हार्डनेस के लिए चाहिए, ठीक है। एक आपको पीएच के लिए चाहिए। ये 6 तरह के मीटर आते हैं भैया, कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये आपको एजुकेट करेंगे, आपको डेवलप करेंगे। सर अगला एक महेश कुमार का क्वेश्चन है कि सर, आई फेस आईबी एंड एनडी आउट एनडी प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली, हाउ आई कंट्रोल। सर अनम्यूट कीजिए सर। डॉक्टर साहब, रोहिला साहब, थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए ना सर, म्यूट हो गया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप, हाँ ओके, हाँ बोले सर, आ गया, हो गया सर, हो गया। सुनो, हाँ यस, देखो इसको प्रॉब्लम एनडी की बार बार है या आईबी की बार बार है? दोनों लिखा हुआ है, दोनों लिखा है सरफेस आईबी एंड एनडी प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली, बोथ ऑफ द प्रॉब्लम। ये फार्मर किस एरिया से है? फार्मर का एरिया, क्योंकि मुझे पता लगे वहां के आउटब्रेक है कैसे है। महेश कुमार इज देयर, आई डोंट नो फ्रॉम,
तो आप उनसे पूछ सकते हैं, महेश कुमार जी खुद बोल सकते हैं कौन से एरिया से हैं। सर है भी नहीं वो, महेश जी है क्या? हाँ सर है, वो यहाँ पे हैं सर। हाँ बोलिए, अभी लेफ्ट हुए लेकिन लेफ्ट का दिख रहा था उनका, शायद लेफ्ट हो गए वो। न्यू में दिख रहे हैं, न्यू में दिख रहे हैं, न्यू में। हाँ कुछ नरेंद्र जी आपके तरफ के हैं क्या? नहीं सर मेरी तरफ के नहीं है सर, नहीं सर नहीं सर हमारे नहीं है सर। चलो फिर और किसी का क्वेश्चन करो या तो मैं एनडी और आईडी पे ही बोलता हूँ। चलो हम कवर करेंगे टॉपिक। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं एनडी और आईडी को कवर करूंगे मैं, बात करूं। आप सुनना चाहते हैं सर, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए भैया, ध्यान से सुनिए। पूरे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एनडी और आईडी का प्रीवेलिंग प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हमारा चल रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एनडी का और आईडी का प्रॉब्लम है कब स्टार्ट हो जाता है, जैसे प्रोडक्शन पे बर्ड स्टार्ट होता है तो एनडी और आईबी के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। लोगों को डायग्नोज नहीं होता, लोगों को समझ नहीं आता। एनडी के प्रिवेंशन के लिए आप ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात है ब्रूडिंग में पहले सप्ताह में आप एनडी वीजा 15.25 ml सब कट यूज करेंगे, एक होगी। दूसरा आप 4-5 वीक पे एनडी 0.5 ml पर बर्ड वीजा 15 यूज करेंगे। फिर आप इसके 10 वीक के बाद, 10 वीक या 9 वीक के बाद आप 14-15 वीक पे फिर एनडी वीजा 15 आप यूज करेंगे। फिर आपके फोरवे है, फोरवे 20-21 वीक पे है। जहां प्रॉब्लम्स है, जिस एरिया में एनडी की प्रॉब्लम है, मैं ये देख रहा हूं कि जैसे आपने आपका बर्ड प्रोडक्शन पे आया और आपने फोरवे भी दी है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने क्या किया 24-25 वीक पे एडिशनल एनडी वीजा 15 लगवाई, क्योंकि तो पीक समर और पीक विंटर में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा सर्दी आरडी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया 24-25 वीक पे एक एडिशनल जहां जहां प्रॉब्लम्स है उन लोगों को ये दे दी, और फिर हर 8 सप्ताह के बाद, फिर हर 8 सप्ताह के बाद एनडी वीजा 15 इंट्रामस्कुलर हमने यूज करवाई। जहां जहां हमने ये काम किया वहां एनडी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये बात समझ में आ गई। दूसरा ये है, सेकंड प्रॉब्लम हमारी है आईबी की। आईबी के अंदर भी आप ध्यान से सुन लो, आईबी का तो मेरा टॉपिक ही एक अलग है, आईबी के ऊपर तो अलग से लेक्चर लेना है, ठीक है। तो आईबी की ओर आप ध्यान से सुनो, आईबी में क्या है जो प्रेजेंट सिनेरियो है भैया, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जो आईबी से अफेक्टेड नहीं है, और आईबी कोई भी ऐसे नहीं है कि प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है। आईबी रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ, छोटे बच्चों से लेके, और आज से 3 साल पहले मैंने किसी का सुना था कि उसकी बहुत मोर्टेलिटी होगी, कोई कंपीटेट बर्ड था हमारा, उसके बहुत सारी मोर्टेलिटी होगी, मुझे यकीन नहीं आया, और पता लगा कि आईबी की प्रॉब्लम थी, मुझे यकीन नहीं आया, मैं सोचा क्या पता क्या। लेकिन अभी जैसे जैसे हम ये चीजें सीख रहे हैं तो पता लगे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आईबी के प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम क्या है, सबसे पहली बात आपको H120 आईबी H120 पहले या दूसरे दिन पे देनी है, तीसरे दिन पहले 3 दिन के अंदर देना, एक बात। इसी तरह से आईबी मल्टी किल्ड बीएच ब्रो एमएन के नाम से 0.25 ml वो भी आपको पहले 2-3 दिन के अंदर ही देना है। आपको इसमें एक काम क्या नहीं करना, इस बात को आप ध्यान से समझो। देखो भैया फील्ड में मल प्रैक्टिस है, नंबर एक बात। अभी 3-4 रोज पहले मेरा एक बिल्कुल नया ब्रीडर था, उसने कोई गलत वैक्सीन यूज की आईबी की फिब्रो के नाम से, कोई अमेरिका की कंपनी है, हमारे लोग इंपोर्टेड वैक्सीन यूज कर रहे हैं। अरे भाई मत करो ना, मुझे क्या लेना, वो वायरस अलग है, यहाँ अलग है, नाम सेम है, उसका नेचर अलग है, ऐसा नहीं यूज करना। हम जो वीएच ग्रुप है पूरा का पूरा डेडिकेटेड है, हम वैक्सीन बना रहे हैं, हम बर्ड्स के लिए बना रहे हैं, अपने बर्ड्स को यूज कर रहे हैं। हमारे को ये नहीं है कि हम वैक्सीन प्लांट है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ट्रेडर
के लिए, ट्रेडिंग नहीं है हमारा, हमारा तो भैया अपने यूनिट्स है, आप सब हमारा परिवार हो, हम अपने परिवार के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, आप अपने परिवार से जुड़े रहें, परिवार को ये पता है कि आपकी जरूरत क्या है, अमेरिका को क्या पता मेरे देश की क्या जरूरत है, वो स्ट्रेन अलग है, ये चीजें अलग है, नाम सेम टेक के नई नई चीजें नई नई बीमारियां। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक गलत प्रैक्टिस ना करें, आईबी का क्या करते हैं, एक स्ट्रेन कोई ले लिया MA5, एक ले लिया 4x91, एक दो चार और कोई मिल गए वो ले लिए, उसको पानी में घोला, सारों को इकट्ठा दे दिया। अरे भैया ये प्रैक्टिस ना करो। जिन जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस की है मैं आपको गारंटी से बिल्कुल लिख के देता हूं, और आई एम श्योर जिन जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस की है उनका पीक प्रोडक्शन नहीं आएगा, पीक आएगा तो साथ में डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा, जैसे प्रोडक्शन पे बर्ड आया, बर्ड में से डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब है कुछ बर्ड्स नॉन लेयर रहेंगे जो अंडा नहीं देंगे, समझ में नहीं आएगी, और आप लोगों को क्या बताया जाएगा, उसके भी नहीं है प्रोडक्शन, उसके भी ऐसे ही होता है, उसके भी ऐसा होता है। मैं कहता हूं जैसे खुलारा साहब, आप इन लोगों के एग्जाम्पल लीजिए ना, अब इनसे देखिए ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके कैसी डिप्लीशन हो रही है। तो ये जो मोर्टेलिटी हो रही है, जैसे अंडे पे आई, अंडे पे आने के साथ साथ मोर्टेलिटी होनी शुरू होगी, कोई कहता है ये 430 की प्रॉब्लम है, कोई कहता है ये 100 में नहीं होता था, कोई कहता है 400। अरे भैया आप ये तो देख लो आप कर क्या रहे हो, पैसा अननेसेसरी यूज कर रहे हो, गलत चीज कर रहे हो, और अपने एरिया को अपनी इंडस्ट्री को खराब कर रहे हो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आईबी का H120 करना है, आईबी मल्टीकिल्ड बीएच ब्रो एमएन के नाम से वो 0.25 ml करनी है। उसके बाद आपको 28 दिन पे, देखो 28 दिन पे मैंने एनडी किल्ड भी बोल रहा है, 28 से 35 दिन, आप 28 से 35 दिन के बीच में इस वैक्सीन को भी इंट्रोड्यूस कर दें 0.5 ml पर बर्ड, और जैसे मैंने ये बताइए, फिर उसके बाद 8-9 वीक के बाद आप इसको 8-8 वीक के बाद रिपीट करते चले फुल डोज, थ्रो आउट लाइफ रखें। पीएच ब्रो एमएन आईबी मल्टीकिल पेंट्री बायोलॉजिकल्स वो वैक्सीन यूज करें। ये सारी कंपनी आपके लिए है, ये बर्ड भी आपका है, वैक्सीन भी आपकी है, दोनों चीजें आपकी है। जब आपके घर में सारी चीजें हैं आप बाहर क्यों भटक रहे हो भाई, बाहर भटक रहे हो, अगर बाहर भटकने से आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, सुनो भैया मेरी बात ध्यान से, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आपके टेंशन कम हो रही है, तो भैया मुझे भी बता दो, मैं भी वो अपना लूंगा, मुझे कोई कंपनी से वो नहीं है। मेरे लिए इतने लंबे टाइम से मैं फार्मर कम्युनिटी से जुड़ा हूं, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, इनसे मैं लड़ता भी हूं, प्यार भी करता हूं, मेरे को कोई नहीं जानता समाज में, यही मेरा समाज है, सब कुछ यही है। अगर इनको लगता है कि ये वैक्सीन लगाने से मैंने 4 अंडे ज्यादा ले लिए, 4 चिक्स ज्यादा ले लिए, तो भैया मुझे बता दो, मैं अपनी कंपनी से बगावत करके उसको लिखना शुरू कर दूंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। मेरे को 100% ये बात समझ में आती है, और आपने मेरा लेक्चर सुना है, मैं भैया फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं लेबर से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मुझे एक एक चीज की पहचान है, मैं जा जाके काम करता हूं, पागलों की तरह रहता हूं, सुबह 5 बजे 6 बजे भी मैं जाता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब हम तो उठे भी नहीं, आप फार्म पे भी पहुंच गए। अरे भाई सुबह के टाइम तो पता होता है, मुझे पता कैसे लगे, कहीं मैं फीड के टाइम पहुंच जाता हूं, कहीं मैं रात के टाइम पहुंच जाता हूं, जहां मुझे लक्स चेक करना होता है कि इसका इंटेंसिटी कैसे है, वो मुझे फार्मर को एजुकेट करना है, और अपने को शांति से शाम को सोना भी है। मैं तो भैया अपने सुख शांति के लिए, और जो परमात्मा ने मुझे ये जीवन दिया है उसके लिए मैं अपना ये काम इस तरीके से करता हूं। तो मेरा दिल दुखी होता है जब कोई भी किसी की दूसरे देशों में वैक्सीन यूज करते हैं, और उसके कारण आप सफर रहते हैं, आप दुख पाते हैं, आपकी ना प्रोडक्शन आती, ना हैचिंग एग्स आती, ना आपके पास प्रॉपर चिक्स आते। तो आपको मैंने दोनों प्रोग्राम बता दिए हैं, अगर आप ये ध्यान से सुनेंगे, और मैं 100% आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस देता हूं, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है अगर वो मेरे को 100% फॉलो करेगा, ये मेरा अहंकार नहीं है भैया, ये मेरी भगवान के प्रति ब्लेसिंग्स हैं, मेरी ऑनेस्टी है, और मेरी कंपनी के ऊपर मुझे 100% विश्वास है, अपने बर्ड्स पे 100% विश्वास है। अगर आप उन बातों को सुनोगे और ठीक से करोगे, तो भैया आपके जो खर्चे चल रहे हैं ना, आपका 1 लाख रुपए महीना मैं डेफिनेटली बचा दूंगा।
किसी भी भाई को अगर ये बात स्वीकार है, जिसको जो कुछ भी कुछ हो रहा है, किसी को प्रोडक्शन नहीं, किसी का कुछ नहीं, भैया मैं उनकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जो मैंने आप लोगों से ही सीखा है, फार्म पे लेबर से सीखा है, फार्मर से सीखा है, लंबे समय से सीखा है, उस कॉन्फिडेंस से मैं बोलता हूं कि आपकी चीजें आज बीमारी है वो रिपीट नहीं होगी। इतने लोगों को बिना बात आईएलटी की वैक्सीन नॉर्थ में कर रहे थे, ठीक है, बहुत से अब भी कर रहे हैं, उनको लोग बहकाते हैं, बांग्लादेश से वैक्सीन लाते हैं, कोई नेपाल से लाते हैं, और उसके बाद ब्रीडर भाइयों को वो मिसगाइड करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ वैक्सीन वायरस से थी। और मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिन लोगों को मैंने वो डिसकंटिन्यू किया, डिसकंटिन्यू करके मैंने उनको किल्ड वैक्सीन यूज करवाया, दो तीन फ्लॉक के बाद मैंने उनको खत्म करवा दिया, मैंने कहा अब तुम्हें किल्ड की भी जरूरत नहीं है। तो भैया आप ध्यान से सुनो, हम आपका परिवार है, आपके दुख दर्द में हम आपके साथ हैं, कहीं आपके कोई बच्चे का जन्म होता है, कहीं कुछ और मिस हैपनिंग होती है, हम हमेशा साथ होते हैं, हमारा तुम ही परिवार हो, तुम सुखी हो हम सुखी हैं, तुम हंसते हो हम हंसते हैं, तुम दुखी हो भाई हम भी दुखी हैं। इसलिए आपने अगर ये ध्यान से सुना हो तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इनको अच्छे से माइंड में बिठा लो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और अपनी सेविंग करो, इससे आपकी बहुत बड़ी सेविंग हो जाएगी। चलो और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन फ्रॉम हैदराबाद सर। हाँ जी। ही इज सीपीएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। हाँ जी। लेइंग मोर्टैलिटी मोर देन बर्ड एज 26 टू 38 वीक पीक फॉर पर वीक 0.6% एवरेज मोर्टैलिटी। हाँ दिस इज द क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। लेइंग मोर्टैलिटी मोर देन द बर्ड एज, ये इससे ज्यादा मोर्टैलिटी हो रही है उसकी? हाँ, पर वीक मोर्टैलिटी 0.6% 26 वीक टू 38 वीक। कितने? 26 टू 38 वीक। ओके ओके ओके। अभी मेरे को ये है क्योंकि हैदराबाद से है, क्या वो हिंदी समझेगा या इंग्लिश में बोलना पड़ेगा? बेटर टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज़ देयर इज अ टू क्वेश्चन। वन अनदर क्वेश्चन इज देयर ऑफ ए मिस्टर गौडा, ही इज आस्किंग nowadays peak production not reach above 80%, it is also a CPF farm India Limited। नहीं ऐसा, उसको मिक्स ना करें क्वेश्चन को, पहले एक क्वेश्चन है जो हैदराबाद का उसको लेते हैं। हाँ हैदराबाद है कि 26 वीक टू 38 वीक का प्लॉक एंड पर वीक मोर्टैलिटी 0.6%। He is saying the lay mortality is more, how to control it? हाँ हाँ मैं बताता हूँ सारा। शशि। यस सर। डॉक्टर बानी दत्ता मैथी का क्वेश्चन दिया, हाउ टू स्कोर डिजायर्ड इम्यूनिटी इन ब्रीडिंग क्रोस ईसीओस। जो हैदराबाद से जिनका क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से समझो, रीजंस ऑफ मोर्टैलिटी एट द ऑनसेट ऑफ प्रोडक्शन टू पीक प्रोडक्शन, राइट। तो इसमें क्या कुछ वायरल डिजीज है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, और कुछ मेटाबोलिक डिजीज है, कुछ फंगल डिजीज है। तो मैं पहले लेता हूं एनडी से। तो अगर किसी का एनडी के प्रति इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है तो वहां एनडी के डिप्लीशन होना स्टार्ट, मोर्टैलिटी होगी। और मोर्टैलिटी में क्या जरूरी नहीं है तो सारे हैवी मोर्टैलिटी हो, माइल्ड मोर्टैलिटी भी हो सकती है। माइल्ड में क्या मिलेगा उसको? ट्रेकिया में लीनियर हिमरेजिस मिलेगी। एक बार पीवी हिमरेजिस मिलना जरूरी नहीं है, वेंट्रिकुलस ग्लैंड्स पे जो लोग देखते हैं वो जरूरी नहीं है, सिर्फ ट्रेकिया को देखिए और उसके बाद बटन अल्सर को देखिए। तीसरी चीज जो रेक्टम रीजन है उसके अंदर लीनियर लीनियर हिमरेजिस मिलेगी, लंबी लंबी चार पांच लाइनें मिलेगी। अगर आपको ये तीन चार चीजें मिलती है, एयर सैक्स अफेक्टेड मिलेंगे, तो ये एनडी की तरफ चला जाएगा। डेफिनेटली उसके अंदर सांस की नली अफेक्टेड होगी, उसमें लाइनें मिलेंगी आपको लीनियर। एनडी मिल सकता है, उसके बाद एनडी वेरिएंट मिल सकता है, फिर आईडी
आईवी अगर है तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल की बजाय हॉरिजॉन्टल हिमरेजिस मिलेगी ट्रेकियल ट्रेकियल रिंग्स के साथ, और उसके साथ क्या होगा किडनी अफेक्टेड मिलेगी, एनडी में किडनी अफेक्टेड नहीं मिलेगी, आईवी में मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि आजकल लोग साल्मोनेला टेस्टिंग करना छोड़ चुके हैं, या तो वो वैक्सीन कर रहे हैं, अगर तो किल्ड वैक्सीन कर रहे हैं या लाइव वैक्सीन कर रहे हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन से पहले बर्ड्स को क्लीन नहीं किया, इंटेस्टाइन को क्लीन नहीं किया, तो जैसे वो जो वैक्सीन दे रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। इस वजह से फाउल टाइफाइड के केसेस, जैसे बर्ड्स प्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बर्ड्स आपके टाइफाइड के भी मिलते रहते हैं। उसके बाद आपके कोराइजा के भी केसेज ऐसे मिलते हैं, फाउल कोलरा के भी ऐसे मिलते हैं। फाउल कोलरा के लिए एक खास बात है कि अगर फार्म पे चूहे ज्यादा हैं, रेड्स ज्यादा हैं, रेड्स कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है, तो फाउल कोलरा के भी केसेस मिलते हैं। फाउल कोलरा में क्या मिलेगा आपको, फाउल कोलरा के अंदर जैसे आप बर्ड्स को खोल लेंगे तो जो फैट है कार्डिक फैट है, उस फैट के ऊपर पेटिकुलरी हेमरेजेस मिलेंगे, लंग्स के ऊपर सॉरी लंग्स है, लंग्स के नीचे जो रिब केज है वहां पेटिकुलरी हेमरेजेस मिलेंगे, और उसके बाद जो लीवर है उसके ऊपर थोड़े बड़े रंग के नेक्रोटिक फोकाई मिलेंगे, और अगर आप लैब में ले जाओगे तो उसमें बाइपोलर स्टेनिंग मिलेगी। बाइपोलर स्टेनिंग से आप कंफर्म कर सकते हो कि दिस इज फाउल कोलरा। उसके बाद क्या है, ऊटाइटिस मिल सकता है, आर्थराइटिस मिल सकता है, तो ये इंडिविजुअल केसेस है। उसके बाद क्या होता है, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। माइकोप्लाज्मा में मोर्टलिटी हो रही है तो आप मोर्टलिटी को चेक करें, लंग्स को देखें, उसके ऊपर झिल्ली बनी हुई है, लीवर के ऊपर देखें, हार्ट के ऊपर देखें, ठीक है, ट्रेकिया को देखो, अगर तो आपको जजमेंट हो जाए ये माइकोप्लाज्मा और ईकोलाई की वजह से है। उसके बाद एक चीज और है, ओआरटी। मैं आपको ओआरटी के बारे में और बताता हूं। देखो ओआरटी एक ऐसा इन्फेक्शन है, ऑर्निथो राइनोट्रेकियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया है, और इसमें क्या होता है, ये देखो आप ये आंख के ऊपर स्वेलिंग नजर आ रही है सबको, यस सर, ये स्वेलिंग ऊपर आंख पे, ये जो स्वेलिंग है ये है क्रेनियल स्वेलिंग, ऊपर की तरफ आंखों के ऊपर हेड के ऊपर है, ठीक है, ये जो क्रेनियल स्वेलिंग है ये जो क्रेनियल स्वेलिंग है ये इस एरिया पे, ये एक साइड है, तो आप इसी साइड का लंग चेक करोगे वो लंग भी अफेक्टेड मिलेगा, अगर ये स्वेलिंग दोनों जगह है तो दोनों लंग्स खराब मिलेंगे। तो ये क्या है, ये ट्रेकियल हिमरेजिस है और ये दोनों लंग्स खराब है इसके, ये मैंने सफेदों से सैंपल लिया था, और ये देखो एक साइड में अफेक्ट है, एक तरफ लंग्स खराब है, एक तरफ उससे ठीक है, तो जिस साइड भी स्वेलिंग होगी उस साइड का लंग खराब होगा, ये ओआरटी की एक खास बात है। और ओआरटी क्या होगी, जहां आईबी होगी जहां एनडी होगी उसकी प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट करता है, जैसे माइकोप्लाज्मा है तो ईकोलाई के साथ वो प्रेसिपिटेट करता है, इसी तरह से ये करता है। तो इस टॉपिक को भी हम अलग से लेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इग्नोरेंट डिजीज है, लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता, इसके ऊपर भी अपन लाइट डाल लेंगे। इस पर भी हमने काम किया था और सक्सेसफुली हमने इस चीज को एस्टेब्लिश किया। तो ये ओआरटी है, तो एक ये रीजन है ओआरटी का, ठीक है। उसके बाद माइकोटॉक्सिन्स, कई बार आपके ग्रेन्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसके कारण भी उसमें से आप लीवर को सिंपल देखोगे, लीवर लीवर फ्रेजाइल मिलेगा आपको, लीवर पेल कलर का मिलेगा और एंट्राइटिस मिलेगी, और इसके साथ क्या है कैल्शियम टिटेनी। कैल्शियम टिटेनी हमने पीछे कवर किया था, तो कैल्शियम टिटेनी के कारण भी उसमें क्या होता है, अगर आपका
फीड के अंदर प्री लेयर डाइट में, प्री ब्रीडर डाइट जो 19 से 23 वीक है, अगर कैल्शियम आपने 1.2% से ज्यादा दिया है, या आपका फ्लॉक नॉन यूनिफॉर्म है और जो बर्ड अंडे पे नहीं आया उस बर्ड ने कैल्शियम 1.2 से ज्यादा लिया है, तो वहां भी बर्ड से मोर्टेलिटी प्रोडक्शन के साथ होती रहेगी और ये मोर्टेलिटी थ्रू आउट लाइफ चलती है, क्योंकि कुछ बर्ड अंडा देना बंद कर देते हैं। मान लो उसने 5-7 दिन अंडा नहीं दिया तो हम कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको सेपरेट फीड दें। अगर उसको हम कैल्शियम ज्यादा साइड पे देंगे, 3% देंगे, तो जैसे ही अंडे पे आएगा तो इसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। जो बर्ड जैसे हम एआई करते हैं, एआई कल्स जो निकलते हैं, अगर हम उसको एक तरफ रख लें और उसको हम मार्बल ना दें, ठीक है, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है हमारी। उसके बाद एक प्रॉब्लम है आईएलटी की। आईएलटी का भी जैसे हैदराबाद का मुझे स्टेटस नहीं पता, लेकिन नॉर्थ का मुझे पता है कि हमारे यहाँ आईएलटी की प्रॉब्लम नहीं है। जो जो लोग आईएलटी का लाइव वैक्सीन यूज करते हैं वहां वहां प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेटेड है, वो बार बार दवाइयां यूज कर रहे हैं, बार बार उनका खर्चा बढ़ रहा है, बार बार कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, और उन लोगों का पीक कभी भी नहीं जाता। उन लोगों को कभी मैक्सिमम अंडे नहीं मिलते, कभी मैक्सिमम चिक्स नहीं मिलते। तो मुझे उम्मीद है हैदराबाद से जिस भाई ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा मैंने उसको कवर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हेलो डॉक्टर सर। हाँ हाँ बोलिए सर। जी जी, एक्चुअली सर मैं हम एक पूछना चाह रहा था, ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि वीक के मंथ प्रोग्राम एंटीबायोटिक करना चाहिए ब्रीडर्स में, करे तो बेटर है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप, अगर कर आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, मैं बरहमपुर ओडिशा से। कहाँ से? उड़ीसा से। देखो भैया ध्यान से सुनो जी, अगर आपके फार्म का साइज छोटा है, नंबर एक बात जी, सिंगल फ्लोक है जी, अगर सिंगल फ्लोक है, फार्म छोटा है, साफ सफाई आपकी ज्यादा है, आपकी प्रोडक्शन प्रॉपर आई हुई है, ठीक है, तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है जी। आपके वैक्सीनेशन, आपने प्रॉपर माइकोप्लाज्मा की वैक्सीन की हुई है, तो आपको इन ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है। ओके, आपको ज्यादा जरूरत जब है, जब आपका पीक ना आया हो, आपकी प्रोडक्शन ठीक ना हो, आपके अंडे की क्वालिटी ठीक ना हो, आपके चिक्स की क्वालिटी ठीक ना हो, अगर ये सारी चीजें ठीक है तो आपको एक्स्ट्रा इस तरह के कोर्सेज देने की जरूरत नहीं है। ये मल्टी एज फ्लॉक्स हैं जहाँ बहुत कैपेसिटी है, जहाँ डिजीज चलता रहता है, उन लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं, हमारा तो मल्टी एज का ही है, 5000 का फ्लॉक्स है, तीन फ्लॉक्स रहता है, तीन फ्लॉक्स है ना। जी जी, तो आपके आपके क्या है, आपका जो फ्लॉक में प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं आ रही, अंडे की क्वालिटी नहीं आ रही, चिक्स की नहीं आ रही, हैचिंग एग्स की, तो आपको ये जरूरत है। अगर वो सारी चीजें ठीक है तो आपको जरूरत नहीं है। हैचेबिलिटी और प्रोडक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही प्रॉब्लम है प्रोडक्शन लाइन में, कि जो हमारा प्रोडक्शन पीक आने के बाद भी नॉन लेयर्स थोड़े हो जा रहे हैं, क्या वो स्टार्टिंग से कुछ बर्ड्स, सब समझिए 5000 के फ्लॉक में से अराउंड 80-100 बर्ड्स बिल्कुल अंडा शुरू ही नहीं कर रहे, या अदरवाइज अराउंड 35-40 वीक्स के बाद वो डेली 2-4 डाउन लेयर हो रहे हैं, फिर लेयर हो रहे हैं, ऐसा वो प्रॉब्लम। चलो चलो, अभी इसको ध्यान से सुनो जी। जो मुर्गियां अंडे पे नहीं आ रही उसके लिए ये जरूरी है कि 16 वीक से 23 वीक तक उसका फीड ठीक से रहे। हैवी बर्ड्स हैं उसको आपको ज्यादा फीड देनी है तो वो प्रोडक्शन पे जल्दी आ जाएंगे, वो भारी नहीं होंगे, उनकी प्रोडक्शन जल्दी आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा, साल्मोनेला टेस्टिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको जैसे ये लगते हैं कि कुछ बर्ड ऐसे हैं जो अंडे पे नहीं आए, तो आप उसको सिंपली एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल दे सकते हैं, प्लेसेंट्रिक्स का इंजेक्शन दे सकते हैं, प्लेसेंट्रिक्स का इंजेक्शन 0.3 ml पर बर्ड, ठीक है, आप उसको लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन 2 या 3 इंजेक्शन दे सकते हैं। साथ में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप उसको कोई एंटीबायोटिक सिंपली जेंटामाइसिन यूज कर सकते हैं, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, वो प्लेसेंटा इसका इंजेक्शन देने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ 70-80 बर्ड्स बच जा रहे हैं।
जो वो बच्चा रहा है उसके कारण है, उसके कारण अलग है। उसके कारण अगर आप 16 वीक से 23 वीक तक बर्ड की इंसल्ट की है, इंसल्ट का मतलब उसको फीड ज्यादा चाहिए था, उसको वजन ज्यादा चाहिए था और उसका वजन वेट गेन उसने कम लिया, तो वो बर्ड आपके प्रोडक्शन पे नहीं आएंगे। एक ये कारण ये हो सकता है सर, इसीलिए हम एवरेज में प्रोडक्शन वेट देखते हैं। एवरेज में होने के बाद कुछ बर्ड्स का जो है एवरेज तो स्टैंडर्ड से ज्यादा ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल में प्रोबेबली और अगर आपने आईबी का किल्ड वैक्सीन 8-8 वीक पे नहीं दिया तो क्या होता है, कोई फ्लोक आपका 57-58 वीक का है या निकलने वाला है तो वहां कुछ बर्ड्स की इम्यूनिटी ब्रेक डाउन होती है। इम्यूनिटी ब्रेक डाउन और से आईबी का वायरस आपके वहां शेड में है तो वहां शेडिंग होनी शुरू हो जाती है, आपकी लेबर सेम है, सारी चीजें सेम है, वो धीरे धीरे यंगर फ्लॉक में आ जाता है। अगर आपके यंग फ्लॉक एक्सपोज हो गए और आपको पता नहीं लगता, आपको पता लगना है सिंपल थोड़ा सा कच्चा अंडा, थोड़े से अंडे का रंग चेंज होना, क्योंकि जिसकी एज ज्यादा है बर्ड की उसमें प्रॉब्लम आपको पहचान में नहीं आती, उसमें क्या है शेडिंग होती रहती है। इसलिए मल्टी एज फ्लॉक हमें नहीं रखने चाहिए, हमें चाहिए कि हम सिंगल एज फ्लॉक रखें एक जगह पे। तो अगर मल्टी एज है तो ये सबसे बड़ी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम है कि अंडे पे मुर्गियां नहीं आएंगी और उसका बेसिक रीजन आईबी का मिलेगा। और ये केस हमने एक 20-22 हजार की कैपेसिटी एक फ्लॉक की थी, उसके 3 फ्लॉक थे, उसका जो बड़ा फ्लॉक था वो था उस समय 57 वीक का और छोटा फ्लॉक था उसका 16-17 वीक का, तो वो उससे एक्सपोज हो गया था और उसके अंदर आखिरी में उसको कुछ भी नहीं मिला, 40-42% उसका प्रोडक्शन रहा और उसका बेसिक रीजन था दैट वाज आईबी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप आईबी की वैक्सीन पे ध्यान दें, आईबी मल्टी किल्ड बीएच ब्रो एमएन 8-8 वीक के इंटरवल पे यूज करें और आप ये ना सोचिए कि ओल्ड फ्लॉक है उसको मार्केट करना, अगर आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसको वैक्सीन जरूर दें, अदरवाइज वो शेडिंग होगी और आपके छोटे फ्लॉक को, और इसलिए वो जो ब्रूडिंग और ग्रोइंग है उसकी आप फैसिलिटी चेंज कर लें। अगर सेम जगह लेंगे ठीक है तो आप ऐसा ना करें, आप धीरे धीरे अपना चेंज कर लें और आपकी ब्रूडिंग और ग्रोइंग फैसिलिटी बिल्कुल इससे सेपरेट हो। नमस्कार। हाँ ना सर जी बोलिए। सर मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ, यूपी से। हाँ जी हाँ बोलिए सर। मेरा जो फ्लॉक है 39 वीक का हो गया है। हाँ जी। और इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, किसी कारणवश डीसीपी हम नहीं लगा पाए, आज पहुंच नहीं पाई हमारे पिछले 15 दिन से। ओके। और अब फ्लॉक में मॉर्टेलिटी हो रही है पिछले 2 दिन से। ओके। 10%। ओके। तो अभी क्या किया जाए? हाँ अभी ध्यान से सुनो, एक तो इमीडिएटली आपको ऐसा है कि जो हमारे पड्डा साहब हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करके इमीडिएटली कहीं से भी जो प्रीमिक्स है वो मंगवा लीजिए। अच्छा, जो 5% प्रीमिक्स है वो मेरे ख्याल से आपको, आप उनको पैसा ट्रांसफर करेंगे और कोशिश होगी कि वो विद इन 24 आवर्स आपको अवेलेबल करवा दें। ठीक है। हाँ हाँ ब्रीडर का, उसमें आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं, सारी चीजें। अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो हमारा उत्तरा डिवीजन है उसमें आप एमसीपी इमीडिएटली मंगा सकते हैं, एमसीपी डीसीपी के बजाय मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, उसका भी उत्तरा टीम से आप किसी से भी बात कीजिए और बात करके और इमीडिएटली उनको पैसा ट्रांसफर करो और इमीडिएटली वहां से वो करवाओ, या कोई भी डिपो आपके आसपास है तो गाड़ी लेके जाओ ठीक है और इमीडिएटली वहां से उठा के लाओ, कैश पेमेंट करके आओ, पहले आप उस टाइम की बात कर ले, क्योंकि इसका जो इलाज है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको जो फास्फोरस देना है वो देना ही है, आपका कच्चा अंडा आएगा, आपके मोर्टेलिटी होगी और आपके आगे भी प्रॉब्लम आएगी और दूसरे इम्यूनिटी ब्रेक डाउन होगी, आप एनडी और आईबी दोनों का वैक्सीन भी लगा के रखे। आपका नाम क्या भाई साहब? नौशाद अली सहरा, एचडी मुजफ्फरनगर। अच्छा अच्छा नौशाद जी, आपको मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। आपको इमीडिएटली
पड्डा साहब से बात करनी है या फिर उसका आपका हिसाब नहीं बढ़ता तो आपको उत्तरा फीड वालों से एमसीपी लेना है, और एमसीपी आपको 14% आके करीब आपको डाल लेना है, 14% 14 किलो एक टन में, सॉरी 1.4 या 1.6, ठीक है, 14 से 16 किलो, ठीक है। और बताओ। थैंक यू सर, प्रोडक्शन ठीक है, 82% आ रही है फिलहाल भी। अरे भैया मेरे, आपका सब बढ़िया है, आप बस जो ये काम करो जो मैंने बताया, अभी फोन उठाओ और करो, पता करो, और या कुछ मुजफ्फरनगर के आसपास कोई दिखे तो कहीं से भी किसी से भी डीसीपी वगैरह यूज करके कोई भी चीज अवेलेबल है वो मंगवाओ। नहीं डीसीपी तो आ गई सर, 2 दिन से लगा रहा हूँ मैं डीसीपी। आ गई तो बस ठीक है, फिर हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप इसके साथ विटामिन डी को यूज करो, विटामिन ई, डी 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 विटामिन डी। हाँ सर, डीसी रोल चल रहा है मेरा पिछले 4 दिन से। हाँ हाँ बस आपका हो जाएगा, ठीक, डोंट वरी, ठीक। और डॉक्टर नरेंद्र जाते हैं क्या आपके पास? डॉक्टर शशिकांत आते हैं। शशिकांत चौहान? नहीं नहीं, शशिकांत चौहान अंदर कौन? डॉक्टर शशिकांत नहीं, मैं भी जाता हूँ, मैं भी मिलता हूँ इसे नौसाद जी से, मिलते हो डॉक्टर नरेंद्र? हाँ डॉक्टर साहब बोले हैं, उनसे बातचीत करके इनको गाइडलाइन दे दीजिए, ठीक है, जो हेल्प करो उनकी हेल्प करो कुछ भी, ठीक है जी, ठीक है। एक आपको दानिश बरता मैथी जी पूछ रहे हैं, हाउ टू स्कोर डिजायर ह्यूमिडिटी इन ब्रूडिंग इन क्लोज एसी हाउस? दोबारा क्वेश्चन करो भाई साहब। हाउ टू स्कोर डिजायर्ड ह्यूमिडिटी इन ब्रूडिंग इन क्लोज एसी हाउस? ओके एसी हाउस, ठीक है भैया। देखो जो एसी हाउस अपने वैसे एसी नहीं है, जैसे ये एसी लगते हैं कमरों में, उसके लिए सिंपली एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता और टिकाऊ तरीका है। देखो भैया, नंबर एक बात, अगर सर्दी में ब्रूडिंग हो रही है तो पानी के बर्तन है, तासले बोलते हैं हम, पानी के बर्तन है छोटे छोटे, जिसका जिसका एरिया ज्यादा हो उसको बुखारी के ऊपर रख दीजिए, एक तो ये तरीका। दूसरा, ब्रूडिंग जैसे ब्रूडिंग शुरू करें, चिक्स आने से पहले आप सिंपली सेफ गार्ड का स्प्रे करें या पानी का स्प्रे करें, ठीक है, और कोई भी स्प्रे आप स्प्रे करते रहें, ठीक है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीटर है, डिजिटल आता है जो टेम्परेचर बताता है, उसको आप इंस्टॉल करके रखें, तो तीनों तरीके आपके लिए ठीक है, सुटेबल है। और एक और बात है, अगर ये ब्रूडिंग आपकी ऐसे क्लोज हाउस में है और ब्रूडिंग केजेस में है, तो आपका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप केज के नीचे थोड़ा पानी चला के रखें, उसका फायदा सुनो, उससे आपके यहाँ मक्खियां पैदा नहीं होगी। अगर ब्रूडिंग में देखता हूँ सबसे ज्यादा मक्खियां पैदा होती है, क्योंकि बीट सूखी रहती है, आपको क्या है वहां पानी छोड़ देना नीचे, आप थोड़ा पानी छोड़ोगे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी और दूसरा मक्खियां भी नहीं होंगी। चलो जी, आपका क्वेश्चन कवर हो गया मेरे ख्याल से। शशि जी आगे, हेलो, यस सर, अभी एक साउथ से ही सीपीए फार्म के हैं कुशलप्पा गौड़ा जी, उनका कहना है कि दिस इज कौशलप्पा फ्रॉम सीपीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नाउ द डेज पीक प्रोडक्शन नॉट रीच अबव 80%, वाई? ओके, ये पीक प्रोडक्शन नहीं पहुंचती। हाँ, 80% ऊपर नहीं जा रहा पीक। मैं बताता हूँ, देखो एक तो हम लोगों को क्या करना, हम एक सेपरेट लेक्चर इस पे करेंगे, हाउ टू अचीव पीक एंड परसिस्टेंस परसिस्टेंट प्रोडक्शन, लेकिन आप उससे पहले सुनो, 80% से ऊपर जाती है प्रोडक्शन। अभी मेरे पास गुलाटी साहब बैठे हैं, उनका 86% के करीब गया है, फुलारा साहब हैं, उन लोगों का भी अच्छा गया है, उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोडक्शन अच्छा गया है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों का नहीं जा रहा तो उसके कारण है, आप उसके कारण सुन लो और अपने आप उसको ठीक कर लो। सबसे पहले अगर आपको 86% प्रोडक्शन चाहिए, 85 चाहिए, तो आपके बर्ड्स की जो यूनिफॉर्मिटी है वो 85-6% होनी चाहिए। हमें सबसे ज्यादा ध्यान उसका यूनिफॉर्मिटी पे देना है, और यूनिफॉर्मिटी में भी क्या है, अर्ली इन यूनिफॉर्मिटी, जैसे आप स्टार्टिंग ब्रूडिंग में यूनिफॉर्मिटी, ग्रोइंग में यूनिफॉर्मिटी, 15 वीक पे, 20 वीक पे,
23-24 वीक पे, अगर हमारा फ्लो यूनिफॉर्म है, प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है, और एक और बात है एनर्जी लेवल्स हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा ऑयल यूज करें जब बर्ड प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, अगर हम थोड़ा एनर्जी लेवल उसको बढ़ा के दें तो डेफिनेटली, अगर आपने यूनिफॉर्मिटी पे, बॉडी वेट ग्रेडिंग पे, इन पे ध्यान दिया है और उसको एनर्जी प्रॉपर टाइम से, और टाइम से उसको लाइट दिया है, टाइम से उसका फीड इंक्रीमेंट किया है, तो आपको डेफिनेटली ये रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन तो खत्म हो गया चैट का। एनीबॉडी एल्स टू लाइक टू हैव एनी क्वेश्चन विद किन्नी भाई को पूछना है, डॉक्टर रोहिला साहब को कोई भी कुछ तो ऐसे पूछ सकते हैं, अपना आगे मंगलवार है, अपने ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 40-50 मिनट एक घंटा बोलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ये सेशन चलेगा ऐसे। ओके सर। हेलो, हाँ जी सर। सर नमस्कार, राजू बोल रहा हूँ हरिओम ब्रीडिंग से। हाँ क्या हाल है राजू? बढ़िया है सर। सर ये अपना 41 वीक का फ्लॉग है, इसमें प्रोडक्शन तो बोलिए बोलिए। हेलो सर, आवाज कनेक्शन इज लॉस्ट, कनेक्शन लॉस्ट, यस। कनेक्टिविटी सर, प्रॉब्लम। चलो चलो आप नेक्स्ट करो, क्योंकि राजू तो मेरे से बात कर लेगा। हाँ हाँ, आगे कोई है तो देखो, ठीक है। एनीवन एल्स सर, तो कंक्लूड करें सर, ऑलमोस्ट दो हो गया, ढाई घंटे ऊपर का सेशन हो गया सर। ओके, थैंक डॉक्टर रोहिला साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ राजू बोलो। ये लग नहीं पा रहा शशि, करो क्लो। तो अभी एसपी साहब तो चले गए कि हैं? हैं, अभी दिखे तो गए मेरे को। हां डॉक्टर एसपी साहब हैं, हैं, म्यूट करके बैठे हुए, म्यूट किया है। हैं हैं सर, थोड़ा सा आप हेलो साहब, मैं अभी बोलता हूँ उनको, जरा। हेलो, हाँ जी बोलिए साहब। हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बोलो। 41 वीक का ब्लॉग है अपना, इसमें एसिडिटी 85-86 से ऊपर नहीं गया, प्रोडक्शन तो 80% प्लस नहीं मिल रहा है। कंक्लूडिंग मार्क्स लेने नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ओपनिंग कर दिया था। जो आपका हैचेबिलिटी 85-86% से ज्यादा नहीं आ रहा, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है एआई प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो एआई में क्या करना है आपको, नंबर एक बार, दो या तीन बर्ड्स का मेल का सीमन लेना है, दो या तीन बर्ड्स का। दूसरी बात ये, 9 मिनट के अंदर उसको डालना है, कितने में, 9 मिनट में, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से डालना है, स्लो स्लो करके डालना है, एआई टिप्स बदलनी है, ये एक तो ये फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर जो आपका कोल्ड रूम है, उस कोल्ड रूम का टेम्परेचर, उसके ऊपर ध्यान रखना आपके 18 से ज्यादा ना हो। तीसरा फैक्टर है कि जब आप अंडा मशीन में लगाते हैं, उससे 7-8 घंटा 6 घंटे पहले उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आए, उसको झटका ना लगे, ठीक है। इन चीजों पे ध्यान देना है आपको मैक्सिमम। अगर आपकी इनसे प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही, तो आपको ये देखना है कि मेल के बॉडी वेट्स कैसे हैं, ठीक है, मेल के सीमन की क्वालिटी कैसी है, और फीमेल है वो बहुत ज्यादा भारी तो नहीं हो रही। इन्हीं बातों में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर भी कुछ रहता है
तो फिर आप मेरे को इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है सर। ये इनफर्टाइल वैसे 5% है और कोल्ड रूम में हम लोग टेम्परेचर 16 के आसपास, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन इसमें हैचर लॉसेज ज्यादा हो रहा है। हाँ तो हैचर लॉसेज ज्यादा है तो आप ऐसा करना, जब आपका हैच निकले उसकी वीडियो बना के जब आप अंडे तोड़ते हो तब वो मुझे भेजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं एनालिसिस करके आपको बता दूंगा क्या कारण है, और उसमें और भी क्या कारण रहते हैं, कई बार आपके विटामिन्स यूज करते हैं, मिनरल्स यूज करते हैं, वो अप टू मार्क नहीं होते। कई बार क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है कहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कमी है और कहीं टेम्परेचर के ऊपर नीचे की प्रॉब्लम है, कई बार ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। तो हमें क्या है, मशीनों के बारे में, मशीनों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पड्डा साहब से कि वो जब भी अपने वो टीम आती है इनका यूनिट एक बार विजिट करवा दीजिए, तो वो मशीनें चेक कर लेंगे, ये मुझे वीडियो भेज देंगे तो मैं उससे एनालिसिस कर लूंगा। और जब भी और इनका गोरखपुर से, गोरखपुर से थोड़ा आगे है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, बिहार और उसके दोनों के बीच में हैचरी गोरखपुर में सर। हाँ हैचरी गोरखपुर में हैचरी हाइजीन कई बार अपना हुआ है, वेंकिस की तरफ से सब किया गया है, मिश्रा जी ने कई बार कराया है। ओके फीड फॉर्मुलेशंस भेजेंगे, ठीक है, और खासकर ट्रेस मिनरल्स कौन सा यूज कर रहे हैं, विटामिन कौन सा यूज कर रहे हैं, दो चीजें ये भेजोगे, ठीक है, फॉस्फोरस का सोर्स क्या है ये भेजोगे, और साथ में मुझे अपना वीडियो, ये जो जब हैच निकले उसके बाद आप मुझे उसका वीडियो भेजोगे अंडे को तोड़ते हुए जहां से बच्चे को निकल रहा है किस तरह का डेड है। शशीन का नाम क्या है, राजू सिंह है भैया, ये बहुत बड़े आदमी। अच्छा, राजू सिंह, ठीक है ठीक है, राजू सिंह इनके बड़े भाई सिंह है। एक्चुअली एक हैचरी हाइजीन का है ना कि उसका फॉलोअप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार जाकर के विजिट करके सारा जो सिस्टम बनाते हैं, इफ यू कीप ऑन द फॉलोइंग द जो प्रोसीजर जो हैचरी हाइजीन में बोलते हैं वो करने से थोड़ा सा वो बेटर रहता है। ओके थैंक यू राजेश जी, बिफोर गोइंग टू वाइंड अप दिस वेबिनार आई रिक्वेस्ट डॉक्टर एसपी सिंह टू जस्ट गिव द कंक्लूजिंग रिमार्क। डॉक्टर साहब प्लीज सर। थैंक यू शशि, एंड मैं कंटिन्यूअस सुन रहा था थ्रू आउट, और काफी इंकरेजिंग था। मॉर्निंग में भी रोहिला साहब को बोला था कि इसको चालू रखो, ओनली वन डिफरेंस इज दैट कि आप लोग ना किसी को चाय के लिए पूछना है आपका, आपको कुछ नहीं ना किसी को रोटी खिलाना है ना कुछ पूछना, तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर रखो, एंड इसकी कसर निकाल देंगे हम, तो फेस टू फेस मिलेंगे ना। ये तो वर्चुअल मीटिंग ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, एंड वी आर ऑल्सो नॉट यूज टू इट। मैं विप्लव को देख रहा हूँ उदास बैठा है बेचारा, कुछ नहीं बोल रहा नहीं ऐसा फोटो ही आ रहा है भी सुन रहा हूँ सर, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। नहीं सुन रहे हैं आपका, मैं देख रहा हूँ आप रोहिला साहब का जो है ना वो क्या बोलते हैं टॉपिक इतना बढ़िया था कि लोग इनको छोड़ नहीं रहे। एग्जैक्टली क्योंकि ये इतना लंबा टाइम तक, इतना लंबा टाइम तक सर ये सेमिनार सभी लोगों का इंटरेस्ट है इसीलिए ध्यान से सुन रहे हैं सर। नहीं ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द टिप्स जो होता है ना, इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सुनो एंड सुनने के बाद फेस टू फेस हो जाएगी, सोल्यूशन भी मिल जाते हैं उसको ऑनलाइन। राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट सर, थैंक यू वेरी मच। और पटनायक जी भी बोल रहे हैं कहाँ पर, भुवनेश्वर में है। नमस्कार सर, मिश्रा जी थैंक यू वेरी मच सर। ऑलमोस्ट 2 घंटा 40 मिनट का वेबिनार रहा सर, इट्स अ लॉन्गेस्ट आई थिंक। इतना किसी को हिम्मत नहीं होती सुनने, बैठने की भी हिम्मत नहीं होती, बट द टॉपिक वाज गुड। मैं थैंक यू वेरी मच सर।
ओके कीप ऑन थोड़ी भी कीप ऑन द प्रैक्टिस वीकली देती हां नेक्स्ट टाइम मोर इंटरेक्टिव रखेंगे और ज्यादा ज्यादा इंटरेक्टिव होगा तो और अच्छा होगा राइट सर सर नेक्स्ट सेशन कब होगा सर नेक्स्ट मंगलवार मंगलवार सेम इतने बहुत बढ़िया आदमी है शशि भूषण इज अ नाइस कोऑर्डिनेटर टॉपिक भी इसको बोलो ये निकाल के बताए अब ये कम्प्लीट होते होते कम से कम चार पांच ऐसे लग जाएंगे ये टॉपिक बहुत लंबा है अच्छा डॉक्टर साहब रोहिला साहब से रिक्वेस्ट किया ना कि 4 or 5 स्लाइड रखें और वो क्वेश्चन आंसर बाद में हो बिकॉज ब्रीडर सेगमेंट है ना तो इसमें बहुत सारे इश्यू रहते हैं लोगों को क्वेश्चंस के लिए सर 190 टोटल अटेंडेंस टोटल प्लस ब्रीडर थे 206 सारे लोग पार्टिसिपेंट लोग थैंक यू फॉर गिविंग द प्रेसियस टाइम एंड द पेशेंस लिसन ऑलमोस्ट 2 hours 40 minutes ड्यूरेशन ओके 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 थैंक यू वेरी मच ओके ओके थैंक यू थैंक यू सर बहुत नाइस प्रेजेंटेशन थैंक यू मिश्रा जी फॉर योर कंट्रीब्यूशन काफी लोग पार्टिसिपेट किए आपके एरिया के पीपलर ने बताया पटनायक ने भी आपने बहुत ब्रीडर्स को बोला दे आर पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बागपुर नेपाल एंड ऑल पीपलर देयर Thanks, Patnaik, Niplev Dev, Shashi Bhushan, Saurabh Gupta, Dr. Saad, Dr. N.K. Mahajan, Dr. Saab ne khub time diya pura. Dr. Saab, thank you very much again. I just say, thank you, sir. Mention his name. I'm sorry, Dr. Saab, N.K. Mahajan is there. Yes, he's very much left. Okay. I just wanted to mention his name. Actually, just I skip. Okay, no problem. Chalo, thank you very much. संदीप निशा सर नमस्कार 3-4 बार बोल चुका नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ और क्या क्या कर रहा है सर कोविड चल रहा है कोविड चल रहा है चलेगा सर पेंडेमिक पूरा हजार हजार निकल अभी हो रहा है अभी तो शुरुआत है अभी ज्यादा हो गया हमारा अभी लॉकडाउन सर स्ट्रिक्ट अभी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अभी लॉकडाउन हो गया बहुत महीनों से हजार हजार निकल रहे टिल 31st July डॉक्टर साहब सर फाइन सर आप कैसे सर उधर बढ़िया मस्त मस्त ऑफिस में बैठे हैं क्या करेंगे सर लॉकडाउन चल रहा है मिश्रा जी पूरा घर में प्रोटेक्टेड है कैप्सुलेटेड है डॉक्टर मिश्रा इज कैप्सुलेटेड इन द हाउस क्या करेंगे सर बना कर रख दिया सर चलो मिलते हैं फिर ठीक है सर ओके सर ओके ओके मिश्रा साहब थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर संदीप बाय बाय सर बाय सर बाय सर
थैंक यू मिश्रा सर, आपने इतना समय दिया सर। हाँ सर, थैंक यू मिश्रा जी, पूरे आनंद से।